आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ड्रेनेज सिस्टम। आशिमा लास्ट क्लास मिस हो गई थी, कंप्लीट कर लेना फिजियोग्राफी वाली सेकंड पार्ट जो था, ठीक है। आज मैं अपलोड कर दूंगा। और ड्रेनेज सिस्टम में देखो बेसिकली मैं वो बताऊंगा आज आपको, जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले कि रिवर्स पूछते हैं, ये रिवर है, एक दो तीन अलग अलग नाम दे देगा वो। पहले पूछेगा कौन सी रिवर है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, एक तो क्वेश्चन याद आता है। सेकेंड कौन से एरिया में है, थर्ड है कि उसके ऊपर कौन सा रिजर्वॉयर है। ये मतलब ये तीन पर्टिकुलर क्वेश्चन बनते हैं रिवर सिस्टम से। देखो इंडिया वाला जो पार्ट है उसके अच्छी बात ये है कि उसमें आपको ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बस चीजें ऑब्जर्व करनी है और उनको याद करना है। वो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ आपको, किसमें फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, तो कॉन्सेप्ट आपके बिल्ड हो गए, बस आपको चीजें ऑब्जर्व करनी है और चीजें याद करनी है। तो स्टार्ट करते हैं ड्रेनेज सिस्टम। इंडिया का बेसिक बता चुका हूँ, फिर दोबारा बता रहा हूँ। इंडियन ड्रेनेज सिस्टम रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ रिवर्स स्ट्रीम्स एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ रन ऑफ्स। तो जितनी भी रिवर्स हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं और अदर जो रन ऑफ्स हैं, उन सबको मिला के हम बनाते हैं इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम। इट इज डिवाइडेड इन टू, पहले एक बार बताओ फाबिया, मैंने क्लासिफिकेशन करवाया था फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम का, वो क्या क्या होता है याद है? 2000, 2 लाख स्क्वायर मीटर से कराया था ना क्लासिफिकेशन रिवर्स का बेसिस। आशिमा याद है, नोट्स देख के बताओ, नहीं है याद? सर चलो 2 लाख से ऊपर होती है मेजर रिवर्स, मेजर, 2 लाख है, उसके और बाद 20,000 से 2 लाख के बीच में होती है मीडियम साइज्ड, क्या कहते मीडियम हैं और उससे उनको, नीचे माइनर, ठीक है, उससे नीचे माइनर। 20, ये याद रखना था, ठीक है। और ये तो हो गया जनरल। और इंडिया की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पे जो मेनली हम दो पढ़ते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। हिमालयन में से आते हैं इंडस, गेंजिस और ब्रह्मपुत्र। पेनिनसुला में से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा। अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया इज कैचमेंट एरिया। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ चीजें कि कैचमेंट एरिया क्या होता है, वाटरशेड क्या होता है सब। तो देखो जैसे हम क्रिकेट में कैच करते हैं बॉल, ठीक है, तो कैच मतलब जहां से सारा पानी आ रहा है, ऐसे याद कर लो। तो ये पूरा क्या होगा इसका, कैचमेंट एरिया। अ रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया, उसको बोलते हैं जहां से उसने पानी इकट्ठा किया है, कलेक्टेड किया है। एक सेकेंड, ये लोग हाँ बोल रहे हैं कुछ कोई, चलो ये जो जहां से रिवर पानी इकट्ठा करेगी अपना, उसको क्या बोलते हैं, कलेक्टेड वर्ड इंपोर्टेंट है, उसको बोलते हैं कैचमेंट एरिया। एरिया ड्रेन बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। अब मान लो इकट्ठा किया और पानी इकट्ठा होकर एक क्या बन गई, रिवर बन गई। अब ये जिस जिस एरिया को ड्रेन करेगी, जहां जहां जाएगी, ठीक है, वो इसका क्या बनेगा, जाएगा ड्रेनेज बेसिन। ये बेसिक टर्म्स है। देन ऑल्सो द बाउंड्री लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अनदर इज वॉटरशेड। और एक ड्रेनेज बेसिन मान लो आपका है, आपका ये एक रिवर है, इसके बीच में एक बाउंड्री लाइन है, कोई माउंटेन है, कुछ भी है, और दूसरा ड्रेनेज बेसिन यहाँ पे है। तो जो बाउंड्री लाइन इनको सेपरेट करती है, उसको क्या बोलते हैं, वॉटरशेड। एक तो वॉटरशेड ये है, और एक वॉटरशेड का मतलब ये होता है द कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर्स आर कॉल्ड रिवर बेसिन। ठीक है, जो बड़ा एक कैचमेंट एरिया बड़ी रिवर्स का, उसको रिवर बेसिन बोल देते हैं। लेकिन जो छोटी रिवर्स होती है उसको बोलते हैं वॉटरशेड। तो वॉटरशेड की आपकी दो डेफिनेशन है, एक तो ये जो बाउंड्री लाइन है, इसको वाटर डिवाइड बोल लो या फिर वॉटरशेड बोलते हैं, जो दो रिवर बेसिन को करती है सेपरेट। एक वॉटरशेड क्या होता है, कि वाला छोटी सी रिवर है, ओके, वो जहां जहां से पानी इकट्ठा कर रही है, यानी उसका कैचमेंट जो एरिया है, उसको बोलते हैं वाटरशेड। और इसी से हम जो वाटरशेड डेवलपमेंट करते हैं, जो मैंने पहले बताया था, जो डिसेंट्रलाइज अप्रोच होती है हमारी, वो इसी से होती है। उसमें क्या होएगा आपका वाटरशेड के अंदर, कि ये जो स्ट्रीम्स है, ठीक है, इनको क्या करेंगे, इन पे डैम्स लगाएंगे, इनको इनका जो वाटर है उसको कंजर्व करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न होगा, एनिमल हस्बेंड्री प्रमोट करेंगे। तो ये जो रिवर है उसकी जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स है, जो भी उसका कैचमेंट एरिया है, उसमें जो डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वॉटरशेड डेवलपमेंट। तो यही इसी से आया है, वॉटरशेड से वॉटरशेड डेवलपमेंट। ये हो गया बिल्कुल बेसिक, ठीक है, स्टार्टिंग के एक दो पेज है जो बेसिक है, उसके बाद हम चीजें बस याद करेंगे, ठीक है। तो बस मेरा ये एम है कि आपको बेसिक टर्म्स ही बता दूं, ताकि कोई कॉन्सेप्चुअल दिक्कत ना हो, और याद तो मैं करवाई दूंगा। अब आ जाओ टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। ये ऑलरेडी आदर्श हम कर चुके हैं टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर, डिफरेंट वहां पे मैंने फिगर से बना रखे थे, यहाँ बस इंडिया के स्पेसिफिक जो इंडिया में बनते हैं वो बताए हैं। तो डेंड्राइटिक आपको पता ही है, जैसे ट्री लाइक ब्रांचेस बनती है, बहुत सारी होंगी क्रिस क्रॉस, ठीक है, डेंड्राइटिक के अंदर। रिजेम्बलेंस ब्रांचेस ओवर ट्री, जैसे कि नदर्न प्लेन्स में हम देखते हैं गेंजिस। रेडियल का एग्जाम्पल क्या बताया था, वैशाली, जो सेंटर से सारे तरफ जाती है, जो रिवर्स ऐसे होती है रेडियल। इंडिया में क्या बनाती है, अमरकंटक में नर्मदा और सोन।
द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन. पल्लवी फरहान वीडियो कैमरा ऑन करो अपना. जो रेडियल पैटर्न में क्या होता है, एक सेंटर में हाइट होगी बिल्कुल, ठीक है, और वहां से रिवर कहाँ जाएंगी, चारों तरफ जाएंगी, तो उसको बोलेंगे आप क्या, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न. फरहान आपकी शायद फर्स्ट क्लास है, कुछ दिक्कत आएगी ठीक है ना, तो मेरे को क्लास के बाद पूछ लेना या पुरानी वाली वीडियोस देख लेना, उससे कलेक्ट करो, ठीक हो जाएगा क्लियर. ठीक है, तो आपने थोड़ा भी लेट ज्वाइन किया है तो आप सारी देखना वीडियो. हाँ, मैं स्टार्टिंग से देखूंगा पहले एक बार, स्टार्टिंग से देखूंगा उसे. हर क्लास के में से डाउट सेशन ले लेना, हाफ एन आवर 15 मिनट जो भी होगा. ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो करो. अभी आज के में इतना नहीं है कुछ समझने का, आज तो याद करने वाला चैप्टर ज्यादा है. ठीक है, अभी जैसे कि रिवर्स है, उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है, वो हम सब याद करेंगे, क्योंकि इंडिया में मोस्टली याद करने का होता है, और समझाने वाला पार्ट मैं करवा चुका हूँ. अब आएगा ट्रेलिस. तो ट्रेलिस में मैंने आपको बताया था, एक रिवर होती है मेन, उसके जो ट्रिब्यूटरीज होती है वो उसके परपेंडिकुलर होती है, तो ऐसा पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं ट्रेलिस. व्हेन द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड द सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज जॉइन देम एट राइट एंगल्स. सेंट्रीपिटल, ये था सेंट्रीफ्यूगल, जहां पे एक हाइट से क्या हो रहा था, आपकी रिवर्स बाहर की साइड जा रही थी, यानी कि सेंट्री, इसको रेडियल भी बोलते हैं या सेंट्रीफ्यूगल भी बोलते हैं. सेंट्रीपिटल ड्रेनेज में क्या होगा, रिवर्स क्या होंगी, अंदर आएगी सारी, एक डिप्रेशन होगा, यानी कि एक गड्ढा होगा मान लो, उसके अंदर रिवर्स क्या होंगी, सारी अंदर आ रही होंगी ओरिजिन. तो व्हेन द रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन द लेक और डिप्रेशन इज नोन एज सेंट्रीपिटल. एग्जाम्पल अगर वर्ल्ड का लें तो ओक्वांगो डिप्रेशन है अफ्रीका में. ये हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स. अब सिग्निफिकेंस क्या है रिवर्स का, सब अगेन बेसिक बात है, रिवर्स आर द ग्रेट सोर्स ऑफ इरीगेशन इंडस्ट्री डोमेस्टिक पर्पस एंड ऑफर इननंबरेबल साइट्स फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. फर्टाइल एरिया से आपको क्या होगा, आपका ऑलमोस्ट ऑल द फर्टाइल एरियाज ऑफ द कंट्री हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन वर्क ऑफ रिवर्स. अगेन आप एग्रीकल्चर कर सकते हो. मैनी रिवर्स आर यूज फॉर द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट. फिशिंग इंपॉर्टेंट है. अगेन ये सब बातें सब लिख लेंगे. ओके, ये एक ट्रेंड देखो आप. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट बाय एसपी दास गुप्ता, द एनुअल ईल्ड ऑफ द रिवर इन द कंट्रीज इतना मिलियन क्यूबिक मीटर. इससे मतलब नहीं है, मैं आपको ये बता रहा हूँ डेटा, जो ट्रेंड ये वाला है, क्योंकि वहां पे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा किसका पानी है हमारे यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा जो वाटर है वो किसमें है, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर में. 33.8% इस कंट्रीब्यूट है ब्रह्मपुत्र रिवर. ये ट्रेंड याद रखना है. फिर आता है गंगा, कई लोग गंगा पहले कर देंगे, ब्रह्मपुत्र गंगा, फिर आएगा गोदावरी, फिर इंडस. ये भी ध्यान रखना, गोदावरी पहले उसके बाद इंडस है, और यहाँ पे महानदी, क्योंकि कई लोग कृष्णा बड़ी रिवर है, उससे पहले कृष्णा से पहले कौन सी है, महानदी. तो ये चार पांच ट्रेंड याद रख लो कि इंडिया के अंदर जो आपका ये है वाटर ईल्ड किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा ब्रह्मपुत्रा, फिर गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, इंडस, महानदी, कृष्णा एंड नर्मदा. बाकी छोटी छोटी रिवर है. द रिमेनिंग 20% इज कंट्रीड बाय अदर रिवर्स. मेन इनका स्टार्टिंग का चार पांच का ट्रेंड पता होना चाहिए आपको, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, फिर इंडस, फिर महानदी एंड देन कृष्णा एंड नर्मदा. चलो ये हो गया बेसिक अबाउट द ड्रेनेज सिस्टम. अब हमारा पहला ड्रेनेज सिस्टम ले रहे हैं हम इंडस वाला जो है, कि इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज करेंगे. तो ये टेबल बना रखी है मैंने, एक टेबल दिखाऊंगा और उसके बाद उसकी फिगर दिखाऊंगा. तो टेबल के अंदर आप देख रहे हो कि रिवर कौन सी है, इसका सोर्स बताऊंगा और उसके बारे में अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है वो, या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है. क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा, श्योक, स्वात, खुर्रम, गिलगित आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, झेलम, चेनाब, या ये कहाँ किससे मिल रही है, ये सब चीज देखनी है. चलो, इंडस कहाँ से आ रही है आपकी, स्नो रेंजेस ऑफ हिमालयस इन तिब्बत नियर मानसरोवर लेक. तो तिब्बत से ओरिजिनेट होती है इंडस, मानसरोवर लेक के पास. अब इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, देखो इंडस ऐसे फ्लो करती है, तो कोई भी वैशाली राइट बैंक और लेफ्ट बैंक अगर पता करना हो, तो जैसे रिवर जा रही है ना, तो इंडस ऐसे जा रही है, तो आप अपने आप को वैसे कर लो, और जो इसकी इस तरफ रिवर होंगी वो राइट हो जाएंगी और इस तरफ लेफ्ट. अगर कोई रिवर ऐसे आ रही है, ठीक है, तो आप भी अपने फेस उस तरफ करो और फिर इसके राइट वाली राइट, लेफ्ट वाली लेफ्ट. तो ये बोलते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो इसके राइट में है, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो इसके लेफ्ट में है. तो इसके अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखोगे आप, तो वो कौन सी है आपकी, जास्कर, अस्तर, द्रास, श्योक, स्वात, खुर्रम, गिलगिट एंड काबुल. जिसे ये रिवर है, इसके ये डायरेक्शन इसकी ये फरहान, और इसके जो अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रिब्यूटरी मिल रही है, तो ऐसी रिवर को क्या बोलते हैं, ऑब्सिक्वेंट रिवर. तो इंडस की जो ऑब्सिक्वेंट रिवर है ट्रिब्यूटरी, वो कौन सी है, गिलगिट. ठीक है, श्योक नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना. ठीक है, श्योक तो इससे यहाँ से मिलती है, ऊपर से ही राइट बैंक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन कौन सी आ रही है, गिलगिट. ओके, चलो काबुल, ये सारी राइट बैंक है. अब इंडस ऐसे आ गई, अब इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी वो आपकी है IJC. कोड है इसका IJCRBS. ये मैं भी याद कराऊंगा, सारा दिखाऊंगा.
आई से आपका इंडस हो गया, फिर जेलम, चेनाब, आरबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड याद कर लो, रावी, ब्यास, सतलज, तो ऊपर से नीचे लेफ्ट बैंक सारी ऐसे बनेंगे, इंडस तो है ही खुद, फिर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये आपकी होगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। अब अगली रिवर है आपकी झेलम। झेलम कहां से आती है? वेरीनाग से। झेलम आती है आपकी वेरीनाग से। झेलम आएगी आपकी वेरीनाग से, फ्लोज नॉर्थवर्ड फ्रॉम इट्स सोर्स थ्रू कश्मीर वैली। और कहां से आता है फ्लो नॉर्थवर्ड फ्रॉम इट्स सोर्स थ्रू कश्मीर वैली, फॉर्म्स मियांडर एस पासिस थ्रू करेवास। और इसकी झेलम की जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो है किशन गंगा। तो इसमें आपको दो बात याद रखनी है, इसका सोर्स है वेरीनाग और वेरीनाग से कहां जाती है कश्मीर वैली के अंदर। अगेन ये रिवर क्या बनाती है? मियांडर्स, जैसे स्नेक लाइक पैटर्न से। तो अपर जो यानी कि यंग स्टेज में फरान, ये मैंने बताया था यंग मैच्योर और ओल्ड स्टेज होती है रिवर्स की, उसमें मोस्टली जो रिवर्स होती है दे मेक मियांडर्स, जो ऐसे घूमती है वो कहां बनाती है? मैच्योर और ओल्ड स्टेज बनाती है। झेलम ऐसी रिवर है जो यंग स्टेज में बनाती है आपका क्या? मियांडर्स। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है। और इसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द करेवास। करेवास क्या थे? वहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो गए और उन्होंने क्या बना दिया? हाई टेबल लैंड, एक बना दिया प्लेन। अब रिवर अगर प्लेन में जाएगी तो फिर वो क्या करेगी? ऐसे मूव करेगी। तो वहां पे करेवास है जहां पे झेलम जाती है, तो उसके कारण क्या होता है? उसको प्लेन एरिया मिल जाता है, सेडिमेंट डिपॉजिट है, तो इसलिए इसका पाथ कैसे हो जाता है? मियांडरिंग। तो झेलम ऐसी रिवर है जो कि यंग स्टेज में मियांडर्स बनाती है, बाकी रिवर्स क्या बनाती है? ओल्ड और मैच्योर स्टेज। यंग, मैच्योर, ओल्ड स्टेज, वो सब आप जब प्रीवियस वीडियो देखोगे वहां पे समझ में आ जाएगा आपको, लैंडफॉर्म वाले चैप्टर के अंदर। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी याद रखनी है आपको क्या है? किशन गंगा। अगेन ये आ जाता है, किशन गंगा में प्रोजेक्ट भी था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वहां पे पूछेगा किशन गंगा इज अ राइट लेफ्ट एंड ट्रिब्यूटरी दे देगा, नहीं, राइट एंड ऑफ झेलम, या ऐसे दे देगा किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब। ये सब चीजें कंफ्यूज नहीं करनी, इसलिए एक टेबल बना दी है, चीजें क्लियर रहेंगी आपको। नेक्स्ट इज चेनाब। क्या कोड था? आई जे सी, तो झेलम होगी अब चेनाब। नियर द, कहां पे सोर्स है इसका? बारह लच्छा पास इन लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ जास्कर रेंज, वैशाली, ये भी मैं करवा चुका हूँ सारे, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ठीक है। अब चीजें आपको समझ में सारी आ गई। जास्कर रेंज किसका पार्ट है बताओ जल्दी, आवाज नहीं आ रही। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमालय, ग्रेटर किसने बोला है? ट्रांस है, ट्रांस, ट्रांस हिमालय, हाँ, ट्रांस, ट्रांस, भूल गई भाभिया, ठीक है। ये अल्फाबेटिकली है, लद्दाख एल के फिर जेड, अल्फाबेटिक चल रहा है नॉर्थ से साउथ, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, देयर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, के एल जेड, क्या एल के जेड, के एल जेड, नहीं नहीं के एल जेड, अच्छा के एल एम एन, के, हाँ के एल जेड, सॉरी अल्फाबेटिकल है के एल जेड, बस अल्फाबेटिकल अरेंज करना है, के पहले आता है फिर एल आता है, जे के एल, ठीक है चलो। तो के एल जेड है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो ये चेनाब कहाँ पे होती है? नियर बारह लचला पास इन लाहौल स्पीति पार्ट ऑफ जास्कर रेंज। और इसकी चेनाब की जो लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? तवी रिवर। अब देखो जम्मू जाते हो, जम्मू तवी सुनते ही हो, स्टेशन का नाम ही जम्मू तवी है, तो वहां से याद रखना तवी। अगेन कभी कुछ अगर जम्मू में इवेंट होगा, एक्चुअली बात क्या होती है, हम तो एक बार सारा कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम अगर कोई चीज न्यूज में होती है तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। तो कभी अगर जम्मू तवी न्यूज में रहा तो वहां पे आ जाएगा जम्मू तवी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम, वही फिर देगा इंडस, सतलज, आप फिर कंफ्यूज होगे। आप ध्यान रखो जम्मू तवी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चेनाब, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट है आपका आईजेसी हो गया, आरबीएस, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड से याद गया था, आर, रावी, ब्यास, सतलज। रावी कहां से होती है? ओरिजिनेट कुल्लू हिल्स नियर रोहतांग पास ऑफ हिमाचल प्रदेश। फ्रॉम इट सोर्स इट फ्लोज बिटवीन द पिरपंजाल एंड धौलाधर रेंज। पीडी याद कराया था मैंने, प्रतियोगिता दर्पण होती है पीडी, तो कौन से हिमालय का पार्ट है पीडी? पिरपंजाल और धौलाधर, इसके बीच में फ्लो करती है रावी, बताओ? मिडल हिमालय, ठीक है। पिरपंजाल, धौलाधर रेंजेस एंटर्स द पंजाब, और फिर क्या आती है? पंजाब के अंदर आती है। फरान कोई घबराने की बात नहीं है, प्रीवियस वीडियो देखोगे सब समझ में आ जाएगा, मैंने सब याद करवा रखा है। ट्रांस हिमालय क्या है, ठीक है, आपके ग्रेटर हिमालय क्या है, लेसर हिमालय क्या है, आउटर हिमालय क्या है, ठीक है, चलो। हाँ, वो मैं कर लूंगा, ग्रैब कर लूंगा इसमें। ब्यास जो रिवर है ब्यास कुंड से होती है ओरिजिनेट, और ये क्रॉसेस द धौलाधर रेंज। देखो मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि फिजियोग्राफी पूछता है कि ये रिवर कहाँ से आ रही है। आप दे देगा पिरपंज, रावी रिवर फ्लोज बिटवीन दो रेंज, दे देगा जास्कर और ये आपकी पिरपंजाल, तो वो गलत हो जाएगा। इट फ्लोज बिटवीन पिरपंजाल एंड धौलाधर। तो आपका जो काम, आपको पॉइंट ढूंढने थे, वो मैंने सिंप्लीफाइड कर दिए, आपको एक टेबल के अंदर मिल गया, बस इसको मार्क कर लो और अच्छे से याद कर लो। देखो मैं ये नहीं कह रहा 100% इससे आ जाएगा, लेकिन कोई भी चीज आप एक चीज करते हो ना अच्छे से, तो अगर आपने कर लिया उसमें से, तो आपको ये श्योर हो जाता है कि ये पार्ट नहीं था, तो आप उससे आप एलिमिनेट कर पाते हो चीजों को। ओके चलो,
एक स्ट्रक्चर और एक बेसिक सोर्स तो आपके सोना ही चाहिए, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा आएगा तो आप उसको एलिमिनेट से करोगे सॉल्व। तो ये हो गया ब्यास कहाँ से होता है, करो ब्यास कोर्स से धौलाधर रेंज थ्रू अ डीप कोर्स, ब्यास ज्वाइन सतलज एट हरिके, यही पूछ देता है ब्यास सतलज को कहाँ ज्वाइन करेगा, हरिके पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक इसको क्रॉस करती है धौलाधर रेंज थ्रू डीप गोर्ज, अगेन गोर्ज क्या होती है, कैनन क्या होती है, सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सब आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। सतलज ओरिजिनेट्स फ्रॉम रकास लेक, मैं ये बता रहा हूँ इंडिया में ज्यादा मेरे को एक्सप्लेन करना ही नहीं पड़ेगा, बस आपको चीजें याद करवानी है, ये टर्म्स मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, इसलिए फटाफट हो जाएंगे अब इंडिया के चैप्टर हमारे। और जिन बच्चों ने देखा नहीं हो प्रीवियस देख लेना वीडियोस, और ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सतलज ओरिजिन होती है रकास लेक से, कहाँ पे, तिब्बत के अंदर, इट फ्लोस थ्रू शिपकिला, जो बात कर रहे थे शिपकिला पास, वैशाली आप उस दिन एब्सेंट भी थे तो आप जो बात कर रहे थे कोको चैनल, वो मैंने कल पढ़ा दिया था फिजियोग्राफी, उसमें देख लेना वीडियो में, म्यांमार और अंडमान निकोबार है उसके बीच में चैनल है कोको चैनल, नदन मोस्ट आइलैंड था, कौन सा था आदर्श, नदन मोस्ट आइलैंड अंडमान निकोबार का, लैंडफॉल याद नहीं है, तो लैंडफॉल याद नहीं है सर, नाम पढ़ा था ये याद है बट नाम याद नहीं है, नॉर्थ लैंडफॉल यहाँ पे नदन मोस्ट आइलैंड अंडमान निकोबार का, और इधर कोकोज जो आइलैंड है उसका, म्यांमार का और ये इंडिया का, उसके बीच में आता है कोकोज चैनल। ओके कल ही मैंने कवर करा दिया फिर, अब यहाँ से आओ आप, सतलुज का होती है रकास लेक में तिब्बत में ओरिजिनेट होती है, और फिर इट फ्लोस थ्रू शिपकिला पास, देखो एस से सतलुज है एस से शिपकिला है, ये भी पूछ लेगा कि सतलुज कौन से पास से होती है, पास शिपकिला इज अ पास, तो सतलुज पासेस थ्रू शिपकिला पास। इट कट डीप गोर्जेस इन द ग्रेटर हिमालयस एंड फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और ये रिवर क्या करती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री भी बनाती है रिवर सतलुज। अब हम देखते हैं डायग्राम, ये हमारा है मेन, अभी तक तो हमने बस चीजें पढ़ रहे थे, इससे आपको याद हो जाएगा। ये देखो टिप, जहां भी मैंने टिप लिखा होगा ना वहां पे मैं समझ लो कोड लिखा है मैंने उस रिवर सिस्टम का, IJCRBS इंडस झेलम, ऊपर से स्टार्ट करो, इंडस झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, ऐसे आएंगे नॉर्थ से साउथ, कई बार अरेंजमेंट ही पूछ लेते हैं, पता होना चाहिए। इस बार का अगर जो क्वेश्चन आया था कि वो क्वेश्चन ही करता, इंडस से कौन सी रिवर डायरेक्टली मिलती है, ये क्वेश्चन आया था इस बार, तो देखो हरदम उठपटांग आ गया क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर याद है तो कहीं ना कहीं आप इसको फ्रेम कर लोगे। अगर आपको डायग्राम याद होता तो आप देखते कि झेलम मिल रहा है चेनाब से, रावी मिल गया सतलज में, ब्यास मिल गया सतलज में, फिर ये सतलज रिवर इसमें मिलगी आपकी चेनाब में आगे जाके, ये चेनाब भी आ रहा है इसमें मिलगी सतलज, और सतलज फिर इसको फाइनली ज्वाइन करेगी आपको इंडस को। तो अगर ऐसे आपको डायग्राम पता होता तो आप लिखते हैं उसका आंसर जो आएगा चेनाब, तो चेनाब ज्वाइन कर रही है इसको, आप इसको अपने इंडस रिवर को। तो ऐसे में कह रहा हूँ, ये जो आप डायग्राम देखते हो ना और ये कोड याद कर लिया IJCRBS, तो ये कोड जब आपको पता होता है तो आप अरेंजमेंट कर सकते हो उनका, किशन गंगा भी इम्पोर्टेंट है तो ये पता, मैंने इसे बना दिया तो क्या होगा, किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। हाँ भाई वैशाली बताओ सर, ये चेनाब कर रही है सतलुज करती है, मेरा भी यही, मेरे को भी डाउट एक्चुअली मैप में लग रहा है आपका की चेनाब कर रही है, जो ये लास्ट, ये अभी लास्ट चेनाब पेपर में आया था, ये मैं वही कह रहा हूँ 2022 में आया था, कई आंसर की में दे रहा है झेलम, ये चेनाब और कई में सतलज है, एक बार फाइनल जो ज्वाइन करेगी आंसर की आएगी यूपीएससी के, तब देखेंगे कौन सा है, मैप में देखने में लग रहा है कि चेनाब है और सतलज में, चेनाब है, सतलज बताया था मैंने, देखा था इसका सतलज, कई लोग कई में आ रहे सतलज, कई सोर्स में दे रखा सतलज और कई में दे रखा चेनाब, सर कहीं कहीं पे चेनाब है, क्या है अभी हालांकि एकदम से उठ के आ गया, किसी ने सोचा था ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा और इतना क्लियर भी नहीं है उस वीडियो में, मतलब अगर हम मैप देखते हैं कि कौन सा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अब जो बच्चा का कोई कोई चेनाब आ रहेगा कोई सतलज, लेकिन अब इतने क्वेश्चन रिस्क तो लेना ही पड़ता है, क्या करें, ठीक है ना, तो एक बार देखते हैं फाइनल आंसर की यूपीएससी क्या देती है, चेनाब देती है सतलज, बाकी दोनों दे रखे हैं किसी में, कोई सोर्स ये बताता है कोई ये बताता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप पैटर्न को आपको देखना पड़ेगा एक ओवरऑल होलिस्टिकली मैप। इस बार वो एक क्वेश्चन और आया था, बताता हूँ कि वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स की कौन कौन सी रिवर है, तो जब आप मैप में रिवर्स को देखते हो तो आप देखो ये कौन सी स्टेट से जा रही है, कहाँ पे जा रही है, अगर ईस्टर्न घाट्स की बात हो रही है ईस्टर्न घाट्स कौन सी स्टेट्स में है, तो ऐसे आप दो तीन चीजों को कनेक्ट करोगे तभी आप उस आंसर को ड्राइव कर पाओगे, ठीक है। अभी ये डिबेटेबल है, जब आंसर की आएगी फाइनल तो देखते क्या आएगा आंसर, ठीक है फरहान, चलो क्योंकि दोनों ही दे रखे हैं, कईयों में चेनाब बता रहे हैं कई सतलज बता रहे हैं। अब आ गया आपका रावी ब्यास सतलज, अब इस पे मैं अगला पार्ट क्या करना है, कुछ पास देख लो कि सतलज रिवर कहां से पास कर रही है, शिपकिला पास से, अब ये भी आ सकता है क्वेश्चन,
और आपकी जो इंडस रिवर है ये पास कर रही है चांगला से, और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज देख लो, किशनगंगा ट्रिब्यूटरी है इसकी, देखो श्योक मैंने कहा था यहाँ से आ रही है, और ये देखो गिलगिट, इंडस तो आपकी ऐसे फ्लो कर रही है और गिलगिट आपकी अपोजिट में आ रही है, तो गिलगिट इसकी क्या है, ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है या ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम है, अपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रिब मेन रिवर से जो ट्रिब्यूटरी मिलती है उसको बोलते हैं ऑब्सिक्वेंट, OBSEQUENT, ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी, तो गिलगिट इज द ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम है। ये सारा आपका हो गया क्या, ये सारा आपका क्या हो गया, इंडस आइस इंडस रिवर सिस्टम। अब देखो एक बात हो रहा है जो मेरे को थोड़ा लग रहा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, वो क्या बता रखा है, चेनाब, है ना, तो ये हो गया। और एक एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि ये सारी रिवर्स ना चेनाब में मिलती है और फिर चेनाब आगे जाके मिलती है, तो कहीं ना कहीं चेनाब लग रहा है मेरे को, बाकी मैं भी श्योर नहीं हूँ, सतलज भी हो सकता है, लेकिन अभी तक मैं चेनाब पे करूंगा, ठीक है, फिर बाकी देखते हैं आंसर की में आ रहा है, क्योंकि एक दो जो पॉइंट पॉइंट आउट कर रहे हैं चीजें वो चेनाब को ही कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका इंडस रिवर सिस्टम। नेक्स्ट है आपका गंगा, अब हम करेंगे गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा स्टार्टिंग में ओरिजिनेट होती है भागीरथी के नाम से, ओके, एंड फ्रॉम द कहां से, गंगोत्री ग्लेशियर से, कहां पे, उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और फिर इसको अलग एक एक स्ट्रीम और ज्वाइन करती है अलकनंदा। तो भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है कहाँ पे, देवप्रयाग पे, यहाँ पे क्या मिलेंगे, देवप्रयाग, तो जहां पे ये दो रिवर मिलती है उसको बोलते हैं देवप्रयाग, उसके बाद से जो रिवर चलती है उसको बोलते हैं गंगा। तो इनिशियली भागीरथी कहां से आती है, गंगोत्री ग्लेशियर से, उसको ज्वाइन करती है अलकनंदा कहाँ पे, देवप्रयाग पे, फिर वहां से जो रिवर आगे चलती है उसको बोलते हैं गंगा। कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी फ्लोज इन द नेम ऑफ गंगा बिलो देवप्रयाग। अब ये गंगा रिवर होगी आपकी, इसकी वैशाली लेफ्ट बैंक मतलब कि आपकी इस साइड वाली, ठीक है, सॉरी, अगर रिवर इस तरफ जा रही है तो लेफ्ट बैंक उसकी आपकी उस साइड वाली रिवर हो जाएगी, और राइट बैंक वाली इधर वाली, तो जिस तरफ रिवर जा रही है उसका देख लेना फ्लो किस तरफ है, फिर अपना राइट लेफ्ट कर लेना। तो जो रिवर इस तरफ है आपके नेपाल की साइड है पूरा, वो रिवर है आपकी रामगंगा गोमती, रामगंगा गोमती घाघरा गंडक बूढ़ी गंडक कोसी महानंदा, इसका जो कोड है वो है 5G किलोमीटर, ठीक है, 5G किलोमीटर, 5G क्या है, अपनी टेक्नोलॉजी है 5G, और 5 किलोमीटर मान लो, 5 किलोमीटर, 5G किलोमीटर, तो 5 तो G आएंगे, पहली G हो गया राम गंगा, दूसरा G हो गया गोमती, तीसरा हो गया घाघरा, चौथा हो गया गंडक, पांचवा हो गया बूढ़ी गंडक, तो ये 5 तो G हो गए, KM से आएगा कोसी और M से आएगा महानंदा, ये सारी आपकी गंगा की क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है यमुना सोन फुनफुन फाल्गु अजोय दामोदर, और गंगा से यमुना कहाँ मिलती है, प्रयागराज पे। चलो यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, इसकी रिवर की ट्रिब्यूटरी का कोड है चंबल सिंध का बेटा कौन, चंबल सिंध का बेटा कौन, ये याद कर लो, चंबल सिंध का बेटा कौन, चंबल सिंध बेटवा केन, ऐसे होएगा। अगला है रामगंगा, रामगंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, दुध दुधातोली रेंज, दुधातोली रेंज उत्तराखंड के अंदर, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, कि रामगंगा कहाँ से पास होती है, इट पासिस थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये देख लो, इट पासिस थ्रू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही। अगला है आपकी घघरा, तो घघरा रिवर जो आपकी है वो कहाँ से होती है, माचा मापचा मापचा चुंगू ग्लेशियर तिब्बत के अंदर, तो घघरा रिवर होती है आपकी मापचा चुंगू ग्लेशियर तिब्बत के अंदर, इसकी ट्रिब्यूटरीज है सरयू राप्ती शारदा बूढ़ी गंगा। अगेन देखो ये आपके आ जाएगा सरयू राप्ती गंगा बूढ़ी गंगा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, तो दे आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ घाघरा रिवर। नेक्स्ट है आपका कोसी, कोसी फाउंड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ सन कोसी अरुण एंड तामोर रिवर, ये तीन रिवर मिलके बनाती है रिवर कोसी, और ये क्या करती है, फ्लड लेके आती है बिहार के अंदर, इसको बोलते हैं सौर, इसलिए इसको बोलते हैं सौर ऑफ बिहार। पल्लवी यू आर फ्रॉम विच स्टेट, अनम्यूट, हाँ इट वॉइस इज नॉट कमिंग, पल्लवी वॉइस इज नॉट कमिंग, चलो ट्राई अगेन, ओके, टाइप में मैसेज कर दो, ठीक है, हाँ, गोमती जो रिवर गोमती दैट इज फ्रॉम गोमत ताल पिलबित, तो पिलबित के अंदर गोमत ताल है उत्तर प्रदेश में, वहां पे आपकी गोमती रिवर ओरिजिनेट होती है एंड इट पासिस थ्रू लखनऊ, तो पूछ लेगा लखनऊ सिटी इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो आपको बताना है गोमती रिवर, ऐसे दामोदर उत्तर प्रदेश, ठीक है, फिर तो हिंदी समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं होगी ना,
कंफर्टेबल, चलो फाइन है। किसी को कुछ समझना है तो बता देना मेरे को। दामोदर राइजेज इन लोहार दागा डिस्ट्रिक्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू। दामोदर रिवर कहाँ पे राइज होती है? लोहार दागा डिस्ट्रिक्ट के अंदर छोटा नागपुर प्लेट्यू में। और इसकी इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? बाराकर कोनार साली, ठीक है, बाराकर कोनार साली, वंस नोन एज सोरो बंगाल। अब इसके थोड़ा फ्लड्स कम आती है क्योंकि बहुत सारे इस पे डैम बना दिए दामोदर पे। नाउ समवर टेम्ड विद डैम्स फ्लो इन अ रिफ्ट वैली क्रिएटेड बाय फॉल्टिंग। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले कि दामोदर इनमें से कौन कौन सी रिवर रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, तो दामोदर रिवर ऑल्सो फ्लो इन द रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में बता चुका वैशाली फॉल्ट आता है जब क्या होता है नीचे, हाँ शाबाश, नीचे हो जाती है वैली, एक कुछ पोर्शन नीचे जाता है, दैट बिकम रिफ्ट वैली। अब कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है आपके। सोन है अमरकंटक हिल, ठीक है, सोन कहां से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक हिल से। कैसा ड्रेनेज पैटर्न था बताया था सोन का नर्मदा का? रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ऊपर से आते हिल से और देन दे गो आउटवर्ड्स, सेंट्रीफ्यूगल, जॉइंस गंगा नियर पटना। और सोन क्योंकि रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, सो इट जॉइंस गंगा नियर पटना। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है सोन की? नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर रिहांद गोपद। देखो मैं इसलिए इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, अब क्या कर रहा है यूपीएससी छोटी छोटी रिवर्स की ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है, तो इसका जो कोड है वो याद है, जो याद करो, गोरी सोने के लिए कोयल जैसा है गाना गाती है, गोरी सोने के लिए कोयल जैसा गाना गाती है। तो गो से हो जाए गोपद, री से रिहान, सोने से सोन की ट्रिब्यूटरीज है, के लिए कोयल जैसा, तो कोयल से नॉर्थ केओल जैसा गाना गाती है। तो गोरी सोने के लिए, मतलब उसको लोरी सुनानी है, ठीक है, तो गोरी सोने के लिए कोयल जैसा गाना गाती है। गोरी से गोपद, रिहान, अब आपको याद आ जाएगा गोरी से रियांद, कंफ्यूज नहीं हो गया, अब रियांद किसकी ट्रिब्यूटरी है? रियांद इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन। ये छोटी छोटी गलतियां हम कर देते हैं एग्जाम के अंदर, फिर हमें लगता है तो बहुत इजी था, तो अगर चीजें आपको याद होगी तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो गोरी सोने के लिए कोयल जैसा गाना गाती है, कोयल से आपका नॉर्थ कोयल। चंबल का देखो, चंबल कैस कहां से ओरिजिनेट होती है? साउथ वेस्ट ऑफ माहो इन हाईलैंड्स ऑफ जनापाव हिल्स। तो जनापाव हिल्स के हाईलैंड से वहां पे आपकी ओरिजिनेट होती है आपकी चंबल, कहां पे? विंध्यन रेंज के अंदर मध्य प्रदेश में। न्यूमरस डीप रेवाइंस फॉर्म गिविंग राइज टू बैडलैंड टोपोग्राफी, ये मैंने आपको बताया था, एक डीप रेवाइंस बनती है यहाँ पे चंबल के अंदर, चंबल रिवर बनाती है रेवाइंस, इसको बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। और आपका इसकी ट्रिब्यूटरीज है बानस और काली सिंध, ट्रिब्यूटरीज है बानस और काली सिंध। तो अगेन याद रखना रेवाइंस जो कौन सी रिवर बनाती है इंडिया के अंदर? चंबल, इसको क्या बोलते हैं? बैडलैंड टोपोग्राफी। रेवाइन इज अ काइंड ऑफ इरोजन, इसमें वर्टिकल पूरे आपके ऐसे लंबी लंबी पूरे, जैसे मान लो हिल स्टीप स्लोप्स पे क्या होती है, लंबी लंबी वर्टिकल गैप्स हो जाते हैं, ऐसे क्रैक्स पड़ जाती है, उसको बैडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं। दिस इज अ रेवाइंस, पूरी लैंड एग्रीकल्चर भी इस पे नहीं कर पाते, फिर लैंड खराब हो जाती है। अब ये हो गया आपका डायग्राम। हाँ वैशाली बताओ मेरे को, ये रिवर है तो जो इस साइड वाली रिवर है इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, आवाज ये राइट है ये लेफ्ट है, ये ऊपर वाली कौन सी है? ऊपर वाली बता मेरे को पहले, ये राइट की तरफ आएगी ना, ऊपर वाली तो लेफ्ट होगी ना, ये बता रहा हूँ जिस साइड रिवर जा रहा है उसकी डायरेक्शन अपना फेस कर लो और फिर उसके हाथ देखो लेफ्ट आएगा, रिवर उस करके देख लेफ्ट आएंगी ऊपर वाली, तो ये मेरे को पता था गलती होगी इसलिए मैं कर बता रहा हूँ, ठीक है, व्हिच स्टेट्स डू दे पास और नीचे वाली राइट होगी, क्या नीचे वाली लेफ्ट, ये लेफ्ट हो जाएगी वाली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है चलो। हाँ आप पल्लवी मुझसे रहे कौन कौन सी स्टेट से पास होंगी, कुछ तो मैं इसी में करा दूंगा, बाकी जब मैपिंग की क्लास लूंगा तो हर रिवर को लेंगे कि इंडस रिवर कौन कौन सी स्टेट से पास होती है, ठीक है, आपकी गंगा कौन कौन सी स्टेट से पास होती है, तो जब मैपिंग वाली क्लास करेंगे तो हर स्टेट स्पेसिफिक रिवर का कर लेंगे, ओके। अभी मैं इसके मेजर जियोग्राफी बता रहा हूँ और कुछ आपको एक आइडिया हो जाएगा ब्रॉड, बाकी बिल्कुल हर स्टेट का कर लेंगे जो मैपिंग वाली क्लास करेंगे रिवर सिस्टम उसके अंदर। तो ये हो गया गंगा, क्योंकि इसमें फिर बहुत सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, इसमें मैं चाह रहा हूँ आपको ट्रिब्यूटरीज याद हो जाएं और फिजियोग्राफिक फीचर्स याद हो जाएं, स्टेट्स हम पॉलिटिकल वो मैप में कर लेंगे फिर। तो आपको मैंने बताया था भागीरथी अलकनंदा से जब मिलती है, कहाँ मिलती है ये भाभिया? देवप्रयाग पे, कहाँ ध्यान है, ठीक है देवप्रयाग पे, शाबाश चलो आगे। और फिर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कोड क्या था आशिमा, अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी देखे तो? फाइव सर, फाइव जी के एम, के एम पांच तो जी हो जाएंगे और किलोमीटर हो जाएगा। पहला जी है रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक,
ठीक है, बागमती और ऐड कर लेना, नहीं तो चल जाएगा काम। किलोमीटर से कोसी और मारंदा खत्म, सारी लेफ्ट बैंक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको मैंने बताया था क्या, यमुना, सोन, दामोदर और एक दो है वो भी देख लूंगा। और यमुना की ट्रिब्यूटरी का कोड क्या बताया था मैंने फाबिया, चंबल सिंध का। सर यमुना की, हाँ बेटा कौन इनका, बेटा कौन, चंबल सिंध बिटवा केन, ये सारी ट्रिब्यूटरी बिटवा केन, हाँ यमुना की ट्रिब्यूटरी होगी। ओके तो फरहान बताओ मेरे को चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना। ठीक है चलो, तो ये हो गया आपका गंगा रिवर यमुना। हाँ ठीक है यमुना। अब देखो एक भागीरथी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी एक भागीरथी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है, अभी मैंने दिखा नहीं रखा, लेकिन आप अगर सिस्टम कोई ऐसे पूछ लेता है विच रिवर सिस्टम इज नोन एज भागीरथी टू भागीरथी, तो उसका आंसर आएगा गंगा रिवर सिस्टम। भागीरथी टू भागीरथी रिवर सिस्टम किसे बोलते हैं, गंगा रिवर सिस्टम को। अब आ जाओ ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, तो हमने कौन कौन से रिवर कर लिए, इंडस, ठीक है, फिर गंगा, अब ब्रह्मपुत्रा। एक और बता दो मेरे को, सोन की ट्रिब्यूटरी बताओ कौन कौन सी थी आशिमा, ट्रिब्यूटरीज ऑफ सोन। मैंने क्या कोड बताया था, गोरी सोने के लिए कोयल जैसा मीठा गाना गाती है या कोयल जैसा गाना गाती है, ऐसे याद करो, ऐसे याद नहीं होंगे बिल्कुल कभी भी। गोरी, गोपद, रिहांद, सोने के लिए सोन की ट्रिब्यूटरी है, कोयल जैसा नॉर्थ की ओर, बस इतना ही सिंपल है। अगर आपको चीजें याद होगी ना तो जिंदगी में भूलोगे ना, मजा आएगा पढ़ने में भी। तो मैं यही चाह रहा हूँ आपको क्वालिटी चीजें रेलिवेंट जो भी है वही सिंप्लीफाइड तरीके से याद करा दूं ताकि बर्डन ना रहे दिमाग पे। चलो बताओ फाबिया इंडस का क्या कोड था, इंडस सिस्टम का नॉर्थ से साउथ अगर इंडस, आईजेसी। आईजेसी वेरी गुड, क्योंकि इंटरनेशनल कोड आरबीएस उल्टा कर दो, आरबीएस, ठीक ऐसे याद करना है, शाबाश। अब आ जाओ ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, ब्रह्मपुत्रा कहाँ पे राइज होती है, इन चेमंगदुंग ग्लेशियर इन कैलाश रेंजेस ऑफ हिमालय, तो कहाँ पे जो ग्लेशियर का सोर्स है वो है चेमंगदुंग ग्लेशियर, कहाँ पे, कैलाश रेंज ऑफ हिमालय। और इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, दिहांग गोर से, ये याद रखना, इट एंटर्स इंडिया थ्रू दिहांग गोर नियर नामचा बारवा, नामचा बारवा के पास दिहांग आजा हांग लिखा ना, हाँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, दिहांग, हांग मतलब हाँ बुला रहा है उसको, आ जाओ दी हांग, ठीक है, क्योंकि आगे आएगा दिबंग, दिबांग, ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होना, वो उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो जहाँ पे दी हांग बुला रहा है, आ जाओ, ठीक है, तो एंटर करेगी दिहांग से, दिहांग गोर से। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है आपकी वो है मानस, सुबनसिरी, दिबांग, दिबांग के ट्रिब्यूटरी है, दिहांग के है जहां से एंटर हो रही है, दिखो, संकोष, कामेंग, लोहित, तिस्ता, धनसिरी, ये इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज है। अब इसका कोड क्या है, महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी एमएसडी दिखा रहा है कि वो सुबह सुबह काम से लौटा है धन कमाकर, क्योंकि आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी बहुत पैसे कमाता है, ठीक है, तो एमएसडी और वो सुबह जल्दी उठ जाता है, ठीक है ना, काम, तो वो ही दिखा रहा है कि सुबह सुबह काम से कितना पैसा कमा रहा है वो महेंद्र सोनी, महेंद्र सिंह धोनी एमएसडी दिखा रहा है कि वो सुबह सुबह काम से लौटा है, अभी काम से सुबह सुबह लौटा है और सुबह सुबह काम से लौटा है धन कमाकर, पैसे कमाकर। तो एम से क्या आएगा आपका, मानस, एम एस डी, एस से सुबनसिरी, एम एस डी, डी से दिबांग, दिखा, दिखाओ, दिखाओ अपने आप में ट्रिब्यूटरी है, एम एस डी दिखा रहा है, जो मैंने आगे कैपिटल कर रखे है ना वही ट्रिब्यूटरी बनेंगे, दिखा रहा है कि वो सुबह सुबह, सुबह सुबह से आपका सुबनसिरी, ठीक है, यहाँ सुबनसिरी कर लेना, एक को संकोच कर लेना, इसको आगे कर लेना, ठीक है, वो तो ऐसे वही आएगा, सुबह सुबह काम से, काम से कामेंग से लौटा है, लो से लोहित, टीए से तिस्ता, धन कमाकर, धन से हो गया धनसिरी। तो नेक्स्ट हम जो रिवर कर रहे थे वो कर रहे थे ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, चेमंगदुंग ग्लेशियर है जहां से ओरिजिनेट होता है, इंडिया में दिहांग रिवर से आता है, दिहांग गोर से अंदर एंट्री करता है, ट्रिब्यूटरीज मैंने याद करवा दी थी। अब फाबिया बताएगी मेरे को क्या कोड था इसका, बस कोड को बता दे, ट्रिब्यूटरी अपने आप याद हो जाएंगे देखो। महेंद्र सिंह धोनी पैसा कमा, महेंद्र सिंह धोनी दिखा रहा है कि वो सुबह सुबह काम से लौटा है धन कमाकर, पैसे कमाकर, ठीक है, तो एमएसडी मानस, ठीक है, ऐसे संकोच, डी से दिबांग, महेंद्र सिंह दिखा रहा है, दिखो,
राया की वो सुबह 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 काम से कामेंग बंसरी लोटा से लोहित और ती से तिस्ता लोहित दानसरी ऐसे तो आपको सारी याद क्योंकि बात क्या है प्रीमियम वहां पे आपको सामने आएंगी अगर आप कोड आपको याद रह रहे तो आपको उसमें कर लोगे अच्छा ये टिक करना है वहां पे लिखना थोड़ी इतना अपने को तो आइडेंटिफाई करनी है अगर आप याद करने चलोगे याद होएगा नहीं क्वेश्चन गलत करके आ जाओगे अब देखो मजुली इज अ रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र इन असम ये रिवर फ्लो कर रही है तो रिवराइन आइलैंड मतलब कि जो रिवर के बीच में आइलैंड है तो ये होगा आपका रिवराइन आइलैंड कौन सा मजुली और एक इसमें आपके ब्रह्मपुत्र रिवर में ये देखो मरियम ला कल मैंने बताया ला का मतलब पास तो मरियम पास है इट सेपरेट द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्रॉम मानसरोवर लेक तो एक तरफ मानसरोवर लेक है एक तरफ सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र है वो क्या है चेमंगदंग ग्लेशियर इन दोनों को सेपरेट कौन सा पास करता है आपका मरियम ला अगेन दिस इज अ इंफॉर्मेशन और आप रिसेंटली भी देख रहे हो असम में काफी फ्लड्स आती है किसके कारण ब्रह्मपुत्र के कारण तो इट लीड्स टू रेकरेंट फ्लड इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन अगली आपकी जो रिवर है दैट इज तीस्ता तीस्ता कहां से होती है जेमू ग्लेशियर मैंने बताया था ग्लेशियर पढ़ाया था कि एक ग्लेशियर है सिक्किम के अंदर उसका नाम है जेमू ठीक है उसका नाम याद रखना जेमू ग्लेशियर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो है दिक्चू रंगपो रंगीत ये क्वेश्चन भी आ चुका है जब तीस्ता अकॉर्ड न्यूज में था उस टाइम क्वेश्चन आया था ये दिक्चू रंगपो और रंगीत ये आपकी होगी तीस्ता रिवर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम भी हो गया अब आपका तो मैं बाद में दिखाऊंगा पहले से पहले पढ़ते हैं ना तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार महानदी रिवर दंद करण्या प्लेट्यू से राइज होती है आपके छत्तीसगढ़ के अंदर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो इब मंद हसदो सियोनाथ ओंग जोंग तेल अब ऐसे तो कभी याद होंगे नहीं आपको इसीलिए मैं फिर कोड बना दिया आपका ओ माय गॉड महान साईनाथ ने जोक टेल किया ठीक है अब तो मन से हंस दो कई लोग बिल्कुल नहीं हंसते थे उनके लिए कि अब तो ये जो महान साईनाथ है इसने भी जोक क्रैक कर दिया तो अब तो मन से हंस दो ठीक है ओ माय गॉड महान साईनाथ ने जोक टेल किया अब तो मन से हंस दो तो ओ से होएगा आपका ओंग एम से आपका ओ माय गॉड एम से भी देखते हैं ओ सॉरी ये ओ एम जी है ना इसका ओंग का ही किया मैंने ओ एम जी का ओ एम जी ठीक है इतना रख लो पूरा इससे आएगा ओम से ओंग 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 महान महान मतलब महान से आएगा मंद साईनाथ से सियोनाथ ओ माय गॉड महान सियोनाथ ने जोक टेल किया है जोक से जोंक टेल से टेल किया है हिंदी का वर्ड ठीक है इब तो हंस दो कहते ना हरियाणवी में बोलते हैं मान लो अब तो हंस दो बोलो उसको कर लो इब तो मन से हंस दो इब से हो गया इब मन से हो गया आपका मंद हंस दो से हंस दो तो आपको ये इतना याद नहीं करना आपको याद करना है ओ माय गॉड ओ एम जी से कर लो ओ एन जी से ओ एन जी चाहे स्मॉल में लिख लो इसको थोड़ा ओ एम जी का हो गया ओ एन जी महान साईनाथ ने जोक टेल किया है अब तो मन से हंस दो ठीक है इब अब से हो जाएगा इब तो मन से मंद से हंस दो से हंस दो तो ये किसके आप महान से आपका होगा महानदी ये याद रखना महा से महानदी तो ये सारी ट्रिब्यूटरी होगी महानदी की अगला है आपका गोदावरी इसको वृद गंगा भी बोलते हैं कहां से राइज होती है सोर्स क्या है त्रिंबक प्लेट्यू नासिक के अंदर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है दुधना परवरा पूर्णा मंजिरा वर्धा अगेन इतनी सारी है आपको नाम तो वहां दिखेंगे एग्जाम के अंदर लेकिन आपको ये समझ जाएगा कि कृष्णा की है गोदावरी की है कावेरी की है किसकी है ये दिक्कत होती है फिर किन्नरसानी सिलेरू ये सारी आपकी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की कृष्णा कहां से राइज होती है महाबलेश्वर से महाराष्ट्र के अंदर कोयना घाट प्रभा माल प्रभा भीमा मुसी मुन्नेरू तुंगभद्रा कावेरी को बोलते हैं गंगा ओ साउथ कहां से ओरिजिनेट हुई है तल कावेरी वेस्टर्न घाट्स के अंदर इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है हेमावती शिमशा अर्कावती काबनी लक्ष्मण तीरथ भावनी स्वर्णवती अमरावती ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है अब हम देखते हैं कोड वाइज अपना तो पहला हमारा है रिवर सिस्टम गोदावरी वाला तो ये देखो त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से आपके राइज नासिक के अंदर है गोदावरी और ये गोदावरी का सिस्टम है डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज इसकी है पहले है दुधना पूर्णा परवरा मंजिरा मन्नेर परनिता इसका जोड़ रही है पेनगंगा वेनगंगा वृदा इंद्रावती किन्नरसानी सबरी सिलेरू ओके ये परनिता की है पेनगंगा वेनगंगा और वृदा लेकिन मैंने याद करवा दिया पूरा सिस्टम आपको याद हो जाएगा अब देखो इसका पूरे सिस्टम को याद करने के क्या कोड बनाया है कि बच्चा क्या होता है ठीक है माँ क्या करती है माँ गोद में गोद नहीं है गोद आएगा गोद में अपनी गोद में बच्चे को दूध पिलाती है ठीक है उसकी परवरिश करती है
और पूरा ध्यान रखती है। ये तो पता ही आपको, माँ क्या करती है बच्चे में, बच्चे को गोद में, उसको दूध पिलाती है, उसकी परवरिश करती है, बड़ा करती है उसको, और उसका पूरा ध्यान रखती है। मगर मगर व्रत अवस्था में जब बूढ़ी हो जाती है माँ, उसे पेन होता है, हम बोलते ना पेन वेन हो रहा है, उसे पेन वेन होता है, तो वो कहती है अब मेरा इंद्र के पास जाने का टाइम आ गया है। ठीक है, तो बच्चा क्या समझाता है उसको, माँ सबर कर, सबर की बात है सही हो जाएगी, कि बस सबर कर तू, कि सबर की बात है तू सही हो जाएगी। अब देखो माँ, ठीक है, गोद में, गोद से मतलब गोदावरी रिवर क्या होगा, बच्चे को दूध पिलाती है, दूध से क्या आएगा आपका दूधना, दूध पिलाती है, परवरिश करती है, परवरा, परवरिश करती है, पूरा ध्यान रखती है, पूर्णा, ये होगी ध्यान रखती है। मगर, मगर से क्या आएगा आपका, आपका मन, एम ए से कर लेना, मंजिरा, मंजिरा। मगर व्रत अवस्था में, व्रत अवस्था में, व्रत अवस्था में मतलब कि आपका व्रदा, ठीक है, व्रत अवस्था से व्रदा अवस्था में उसे पेन वेन, पेन गंगा वेन गंगा, पेन वेन होता है, और वो कहती है कि मेरे, और वो कहती है कि मेरे प्राण निकल रहे हैं, प्राण कर लेना या कर, वो कहती है मेरे प्राण निकल रहे हैं, प्राण से आएगा प्रणिता, मेरे, वो कहती है कि मेरे अब, सॉरी देख लो, व्रत अवस्था में, मे से भी आ जाएगा मन्नेर में, उसे पेन होता है, पेन वेन, पेन गंगा वेन गंगा, वो कहती है मेरे प्राण निकल रहे हैं, प्राण से प्रणिता, प्राण निकल रहे हैं, और मेरा इंद्र के पास जाने का टाइम आ गया है, मतलब भगवान के पास जाने का टाइम आ गया है, इंद्र से इंद्रावती के पास जाने का टाइम आ गया है। तो बच्चा क्या कहता है, माँ सबर की बात है, माँ सबर से सबरी, की से किन्नर सानी, सबर की बात है सही हो जाएगा, सही हो जाएगी, मतलब सबर रख तू सही हो जाएगी, सही से सिल ले रू, ये हो गया कोड। तो अगेन देखो, एक सेकंड, गोदावरी का कोड क्या था, माँ क्या करती है बच्चे को गोद में रखती है, ठीक है, दूध पिलाती है, तो माँ गोद से गोदावरी दूध पिलाती है, दूधना, ठीक है, उसका क्या करती है, उसका परवरिश करती है, परवरा, पूरा ध्यान रखती है, पूर्णा, ये हो गया पूरा, पूरा ध्यान रखती है। मगर, मगर से हो गया मंजरा, वृद्ध अवस्था में वृद्धा, उसे पेन वेन होता है, ऑब्वियसली बूढ़े होते हैं, दर्द होता है, पेन गंगा वेन गंगा, तो वो कहती है मेरे प्राण निकलने वाले हैं, प्रणिता, अब मेरा इंद्र के पास जाने का टाइम आ गया है, इंद्रावती। तो फिर बच्चा कहता है, ठीक है, कि माँ सब ठीक हो जाएगा, सबरी, सब्र, माँ सब्र की बात है, ठीक है, सबर रख, सबरी, की से किन्द्रसानी, सबर की बात है, सब सही हो जाएगा, सही से सिले रू। फुरान हो रहा है कि याद कुछ, ठीक है, अगर स्टोरी क्या होती है हमारी अपनी लैंग्वेज में होती है और हमें याद हो जाती है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसे कोड सारे कराऊंगा अभी तो आपको लगेगा याद है, लेकिन एक महीने बाद पूछूंगा याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपको इतना भी स्ट्राइक कर गया कि सर ने ऐसे बताया था कि दूध की बात हो रही थी, बूढ़े की बात हो रही थी, पेन की बात हो रही थी, वेन की, गोद की बात हो रही थी, परवरिश की बात हो रही थी, तो आपको वहां पे इंद्र के पास जाने का टाइम, ठीक है, प्राण निकल रहे हैं, और एक रिलेशन होता है, तो वहां पे एक दो भी अगर आप सबको समझ में आ जाएगा ना चार में से, तब भी आप पॉइंट कर लोगे, अच्छा ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, ऐसे मैं जा रहा हूँ आपसे, परफेक्शन नहीं करनी 100%, परफेक्शन के चक्कर में हम क्या होता है गलती करते हैं बहुत ज्यादा, टाइम वेस्ट कर देते हैं, हमें कुछ चीजें बस आइडेंटिफाई करनी है प्री निकालने के लिए, ओके, और मेंस में कभी नहीं पूछेगा ये कि व्हाट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी रिवर, तो इसलिए उसे हमें याद नहीं करना, हमें आइडेंटिफाई करनी है, इसलिए मैं आपके लिए कोड बना रहा हूँ कि प्री में कोई दिक्कत ना आए आपको। नेक्स्ट है आपका कृष्णा रिवर, तो कृष्णा के भी हमने देखी थी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी थी, अगेन यहाँ देखो कोयना, वरना, इसमें से हम कुछ ट्रिब्यूटरी याद कर लेंगे कृष्णा की। तो कृष्णा का जो कोड है इसे देख लो, कोयना, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, बेंजी हाल इसी की है, तुंग भद्रा, ये तो होगी आपकी, वैशाली का है, उसे पूछता हूँ एक बार, वैशाली ये वाली ट्रिब्यूटरी है जो कौन सी वाली है, राइट हैंड है कि लेफ्ट हैंड है, ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है कृष्णा ऊपर से नीचे, जो मैंने ये बताई, ये राइट बैंक है लेफ्ट बैंक है, ये वाला राइट, लेफ्ट, हाँ बस राइट बैंक है ये वाला, क्या गलत बताया मैंने, राइट ठीक बताया, चल ऊपर वाली है डॉन, बीमा, डिंडी, ये सॉरी है इसकी लेफ्ट हैंड, इधर करना है, इधर करना है भाई, ये डायरेक्शन है, ये एरो है, ऐसे जा रही है कृष्णा, हाँ, तो फिर ये लेफ्ट, नीचे वाली राइट होगी, सब ठीक है। तो टिप क्या है इसकी, देखो कृष्णा जो है, कृष्णा है अपना, कृष्ण भगवान है, कृष्ण मान लो, कृष्णा घाट घाट का अलग अलग जाप है ना, मक्खन खाता रहता था, घाट घाट का खोया, खोया बोलते हैं, खोया दूध का माल पांच बार खाकर तंग बड़ा हो गया, उसने बहुत खा लिया, तो कृष्णा घाट घाट का खोया, मक्खन से आया खोया
दूध का माल खाकर, कितना खोया दूध का माल 5 बार खाकर तंग बड़ा हो गया, बहुत तंग हो गया वो, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने फिर जो भी ये माल था सारा वो बोरी में बंद कर बांध कर भीम को, भीम डोन को भेज दिया। भीम है, भीमा पता ही आपको, भीम वो डोन है, ठीक है। तो उसने फिर माल बोरी में बांधकर भीम डोन को भेज दिया, ठीक है। भीम उसे खाकर उसका सीना चौड़ा हो गया, भीम ने उस माल को खाया तो उसका सीना चौड़ा हो गया और वो हल्ला करने लगा। फिर वो पूरी हवाबाजी आ गई, पहलवान बन गया, हल्ला करने लगा। तो मौसी ने उसे डंडी मारी। भाई इतना यार कहानी याद होगी, कृष्णा ने मक्खन खाया था, भीम को दिया, वहां पे यही क्वेश्चन आएगा, डंडी मारी, क्वेश्चन ये आएगा डंडी, भीमा, मूसी, बच्चे फिर कंफ्यूजन रहेंगे। तुम्हें स्टोरी से याद रहेगा कि यार भीम की स्टोरी में तो आपका माँ का कोई रोल नहीं था उधर, और यहाँ पे मौसी आ गई, तो समझ में ऐसे आएगा चीजें कि कर लोगे आप, ठीक है ना। गोदावरी में माँ का रोल था, बूढ़ी अवस्था, वो सब चीजें। तो स्टोरी से मेरे को पूरा उम्मीद है आप क्वेश्चन ठीक करके आओगे। चलो अब मैं आपको समझाता हूँ, कृष्णा घाट घाट का, तो कृष्णा से कृष्णा हो गया, कृष्णा रिवर की बात हो रही है, घाट का हो गया घाट प्रभा, घाट घाट का खोया, खोया से देखो कोयना, कोयना खोयना, ठीक है, खोया से हो गया खोयना, खोया दूध से हो गया दूध, दूध गंगा, दूध गंगा का माल, माल से हो गया माल प्रभा, घाट प्रभा हो गया था, माल प्रभा हो गया। पांच बार से हो गया पांच गंगा, पांच गंगा, पांच बार खाकर, ये स्मॉल है इसलिए कोई, तंग बड़ा हो गया, तंग बड़ा से हो गया तुंग बदरा, तंग बड़ा तुंग बदरा, उससे राइम किया मैंने, तुंग बदरा को राइम किया है, तंग बड़ा हो गया। फिर और उसने, फिर उसने क्या किया, फिर माल को बोरी में बांधकर भीम डोन को भेजा। तो बोरी, भीम, डोन, ये यहां से आ गया आपकी। उसे खाकर उसका क्या हो गया, सीना चौड़ा हो गया, सीना, सीना भी है, सीना चौड़ा हो गया और वो हल्ला करने लग गया, हल्ला से हलिया, हल्ला करने लगा। तो फिर मौसी ने क्या किया, डंडी से उसे मारा, मौसी से मूसी, डंडी से डिंडी और मारा से मुन्नेरू, खत्म। चलो अभी नहीं, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो मजा आएगा। हाँ क्या डाउट है आपको? नहीं, ये वाला नोट्स में नहीं है ये। ओहो, तो मैंने क्या बताया था, जब क्लास करने का फायदा कुछ तो होना चाहिए, सब नोट्स में दे दूंगा, क्या फायदा, ये मैंने आज ऐड किया है बैठ के, मेहनत करता हूँ पहले क्लास बनाने के लिए, फोटो खींच लेंगे बच्चे। हाँ तो बच्चे फोटो खींच लो, ये जो क्लास में आएगा ऑब्वियसली थोड़ा तो ऐड करूंगा, कल क्लास करूंगा तो आज पढ़ूंगा पूरा दिन, तो जो ऐड होता है फिर वो अब अपडेट कर रहा हूँ नोट्स को, ठीक है। नोट्स में है 90-80% है, 20% में ऐड करके आता हूँ क्लास में फिर, ठीक है। चलो अब आ जाओ कावेरी रिवर सिस्टम। देखो कावेरी का कोई कोड नहीं बनाया मैंने, क्योंकि सबके कोड की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं बनाया क्योंकि जब आप कृष्णा और गोदावरी को आइडेंटिफाई कर लोगे ना, थर्ड बचता है कावेरी मेजर सिस्टम, तो पता चल जाएगा इन दोनों में नहीं है, फिर एलिमिनेट करना। ओके, तो कावेरी का कोड नहीं है, बस कुछ मेजर रिवर ट्रिब्यूटरी बता दूंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा ना ये कृष्णा की है ना गोदावरी की, तो कावेरी की होंगी। तो वहां से हम ऐसे खेलेंगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे मेरे को दिखाओगे प्री के, तो मैं उस टाइम आपको बताऊंगा कैसे हम ट्रिक से डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सब चीजें याद भी नहीं करनी होती, कितनी चीजें याद करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ मेन चीजें बताऊंगा इसकी रिवर की, जो आप याद रखना, फिर आपको ईजी हो जाएगा। तो कावेरी का सोर्स क्या था, तल्ला कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स में, अगेन ये इंपॉर्टेंट है फिजियोग्राफी, कहां से, तल्ला कावेरी ब्रह्मगिरी हिल्स, ब्रह्मगिरी हिल्स। हेमावती, यागची, शिमशा, शिमशा रिजर्वॉयर भी है, ये सब याद रखो। अर्कावती, नाम सुनो एक बार, अर्कावती पे चामराजा सागर, ये इस पे क्या है आपका रिजर्वॉयर है, ठीक है। फिर आपका स्टेनली रिजर्वॉयर, ये सब आपके रिजर्वॉयर्स हैं, ये पूछ लेगा स्टेनली रिजर्वॉयर, चामराज रिजर्वॉयर कौन सी रिवर पे है, इसलिए बता रहा हूँ आपको। फिर कावेरी की और ट्रिब्यूटरीज है, लक्ष्मण तीरथ, काबिनी, स्वर्णवती और ये नोयल। उसके बाद है आपकी अमरावती, ननगंती, अगेन इधर है आपका शिवरॉय हिल्स, मणिमुक्ता, गोमुखी, वेल्लार, कोल्लार, ये सारी आपकी ट्रिब्यूटरीज हैं कावेरी की। और जो डेल्टा का जो शेप है वो कैसी है, क्वाड्रिलेटरल डेल्टा, ये है। तो कावेरी कैसे डेल्टा बनाती है, क्वाड्रिलेटरल डेल्टा, ये इंपॉर्टेंट बात है। शिवरॉय हिल्स है यहाँ पे, और एक हिल्स थी तल्ला कावेरी, दो रिजर्वॉयर बताए थे, चामराजा सागर और स्टैनली। ट्रिब्यूटरीज और देख लो, नाम बस नाम एक दो बार कर लो, लक्ष्मण तीरथ, कामिनी, ठीक है। लक्ष्मण तो ऐसे याद आएगा, लंका जा रहे थे लक्ष्मण जी, तो ये साउथ में ही है बिल्कुल, राम के साथ, तो लक्ष्मण बिल्कुल साउथ में, तीनों रिवर सिस्टम में कावेरी रिवर सिस्टम साउथ में तीनों से, तो साउथ का ही बनेगा लक्ष्मण तीरथ, ठीक है। काबिनी, स्वर्णवती, नोयल, अमरावती, याक्षी, हेमावती, अर्कावती, बतीवती थोड़े आ रहे हैं, ठीक है, बती देख लो एक, तो ये हो गया कावेरी। हाँ वैशाली,
डैम वगैरह तो नहीं पूछेंगे ना, कोल्ड पूछेंगे, पूछेंगे बिल्कुल पूछेंगे, पूछ चुके हैं, आगे कराऊंगा, एक दो बता दिए मैंने, ठीक है आगे और कराएंगे। इधर जा रहा है ना, 2021 में क्वेश्चन आया है डैम्स, ये कौन से है। अच्छा। चलो नेक्स्ट है आपका मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। अब हमने मेन मेन रिवर सिस्टम थी, और रिवर्स देखो, लूनी वेस्ट ऑफ द, कहां पे ओरिजिन होती है, वेस्ट ऑफ द अजमेर इन द अरावली रेंज राजस्थान, और ये एफिमरल है। अगेन एफिमरल कौन सी रिवर्स होती है, जो थोड़े टाइम के लिए होती है, जैसे पानी आए, बारिश आए, स्टार्ट होंगी फिर वापस खत्म हो जाएगी, और कहां पे ड्रेन करती है, रन ऑफ कच्छ के अंदर। अगेन ये बोल देगा आपको स्टेट के अंदर, लूनी ड्रेन्स इन अरेबियन सी, वो गलत हो जाएगा, इट ड्रेन्स इन रन ऑफ कच्छ, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख के दे रहा हूँ। साबरमती रिवर कहां से राइज होती है, फ्रॉम द हिल्स ऑफ मेवाड़ इन अरावली रेंज, और उसकी ट्रिब्यूटरीज है हथमती और वत्रक। माही राइज होती है विंध्याज में, इसकी ट्रिब्यूटरीज है सोम, अनस और पनाम। नर्मदा, इसका वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द, कहां से राइज होती है, ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अमरकंटक प्लेट्यू, तो अमरकंटक प्लेट्यू याद रख लेना, बताया था ना अमरकंटक प्लेट्यू पे, सोन, नर्मदा, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, ये सब। लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया, ये देखो वैशाली, पहले जो हमने पढ़ी थी कावेरी कृष्णा, सॉरी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये थी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब मैं इधर आ रहा हूँ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स पे, आपका लूनी, माही, साबरमती, साबरमती, नर्मदा, तापी, ये सब क्या है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ध्यान रखो ओरिएंटेशन। तो ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी नर्मदा, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया, फ्लोइंग इन द रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। इससे पहले कौन सी रिवर बताई थी फरहान मैंने, रिफ्ट वैली में जो फ्लो करती है, दामोदर, ठीक है। चल कोई नहीं, अभी तू नींद में, एक दो दिन में खुलेगा, अभी चौकरे भी पहली क्लास है ना, कोई बात नहीं, सदमा लगा हुआ है, क्या क्या हो रहा है, ठीक है अभी थोड़ा वैसे ही आ रहा है, अरे वो पहले की क्लास लूंगा ना, उसमें कर लूंगा, मेरे को पता है ऑब्वियसली, जब 7-8 क्लास लगातार करते हैं तो बंदा थोड़ा फॉर्म में आता है, अब पहली क्लास में इतना हो जाता है, दिक्कत आती है, कोई नहीं, थोड़ा थोड़ा हंसी करने दे मेरे को भी, चलने दे मार, चलो ये हो गया। वैली बिटवीन सतपुरा एंड, हाँ तो ये कहाँ से फ्लो करती है, ओहो अब तो एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या कोड बनाया था मैं खुद ही भूल गया, ठीक है। अच्छा वैशाली तू बता मेरे को, ओरिएंटेशन क्या था, विंध्यास, सतपुरा, नर्मदा, तापी, वो कराया था चारों का ओरिएंटेशन, हाँ अच्छा याद नहीं आ रहा, मैंने सबसे पहले बताया था विंध्यास होंगी, ठीक है, फिर नर्मदा आएगी, फिर सतपुरा आएगी और फिर तापी आएगी, ये कोड कराया था याद, अब सर कोड क्या था उस टाइम याद नहीं, पर ओरिएंटेशन याद रहा है। तो विंध्यास क्या कह रहा है, इट फ्लोज बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यास, तो विंध्या और सतपुरा के बीच में कौन सी रिवर करती है, नर्मदा, ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि याद पूछ लेगा ना किसके बीच में फ्लो करती है, दिक्कत आती है, फिर उसके बाद आएगी तापी नीचे आती है, देखो तापी नीचे आएगी, और ये कौन सा फॉल बनाती है नर्मदा, धुआंधार फॉल्स, कहाँ पे, नियर जबलपुर, और ट्रिब्यूटरीज है कोलार, तवा, छोटा तवा, बंजर। आशिम आपको याद है मैंने क्या कोड बताया था इसका, विंध्यास का और सतपुड़ा का, और यहाँ नर्मदा थी और यहाँ तापी थी। Sir, I did not attend the class. अच्छा अटेंड नहीं की थी, I wasn't in the class. ठीक है ठीक है। फाबिया बताओ ये कैसे याद करवाया था मैंने, विंध्या सतपुड़ा के बीच में आपकी नर्मदा है और फिर तापी है, फिजियोग्राफी में सबको पता करवाया था, अच्छे से याद आया, पर कोड याद नहीं आ रहा, घर जाके देखना फिर, कल देखते क्लास में, ठीक है ठीक है। काले अब देखो, हाँ अगला इसका कोड है हमारा कोलार, तवा, छोटा तवा, कोलार अलग है, तवा अलग है, छोटा तवा अलग है और बंजर अलग है। तो काले छोटे तवे पर नर्मदा क्या करती है, बाजरे की रोटी बनाती है, ये कोड है, काले छोटे तवे पर नर्मदा बाजरे की रोटी बनाती है। तो काला काले छोटे हो गया, ठीक है, काले से हो गया कोलार, छोटे से हो गया, छोटे तवे से हो गया छोटा तवा, नर्मदा नर्मदा रिवर थी, बाजरे से हो गया बंजर। तो काले छोटे तवे पर नर्मदा बाजरे की रोटी बनाती है। चलो नेक्स्ट है तापी, तापी ओरिजिनेट फ्रॉम मुल्ताई टैंक ऑन सतपुड़ा प्लेट्यू इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ये कहां पे होती है, मुल्ताई टैंक सतपुड़ा प्लेट्यू पे बैतूल पे। ट्रिब्यूटरीज है इसकी पूर्णा, बैतूल और अमरावती। अदर इंपॉर्टेंट रिवर्स है इनकी, आपकी लोकेशन हो जी और डिटेल में पल्लवी, इसको फिर मैप में कवर करा दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी मांडवी गोवा के अंदर है, जुआरी गोवा के अंदर है, और सारावती कर्नाटका, भारतपुजा केरला, परियार केरला, ये आपकी अदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, मांडवी गोवा, जुआरी गोवा, सारावती कर्नाटका, भारतपुजा केरला, परियार केरला। इसके अलावा और रिवर्स अगर बात करें तो वो है आपकी
सुबन रेखा, ये कहाँ पे राइज होती है? रांची के पास। हुंडरू फॉल्स इज क्रिएटेड ऑन द कोर्स ऑफ सुबन रेखा। और मैंने आशिमा क्या बताया था, सुबन रेखा इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिवर रेजुनोवेशन। रिवर वापिस रेजुनोवेट हो गई थी, वापिस इसकी नई स्टेजेस बन गई। तो और वहां पे जो ये फॉल बनता है, निक पॉइंट फॉल बनता है, कौन सा बनता है? हुंडरू फॉल। ये हुआ क्या था फरहान, जो आपका रिवर रेजुनोवेशन है, मान लो रिवर चल रही नॉर्मल, एकदम से कोई फॉल्ट आ गया, सबमर्जेंस हो गया या फिर इमरजेंस हो गया, तो एकदम से क्या होता है, रिवर की स्पीड बढ़ जाती है वापस, अगर कोई फॉल्ट आ गया तो। इसको बोलते हैं रिवर ने वापस रेजुनोवेट कर ली अपनी स्पीड को, फिर वो डिफरेंट फीचर्स बनाता है, उसमें से एक फॉल होता है निक पॉइंट फॉल। ये निक पॉइंट है यहाँ पे जो फॉल बनता है। तो ये सुबन रेखा रिवर भी एग्जाम्पल इंडिया में रिवर रेजुनोवेशन का, जो फॉल बनाती है उसका नाम है हुंडरू फॉल्स, इज क्रिएटेड ऑन द कोर्स ऑफ सुबन रेखा। ये मैं करवा चुका हूँ, देख लेना उसके अंदर, वीडियो के अंदर। द सुबन रेखा पासिस थ्रू एरियाज विद एक्सटेंसिव माइनिंग ऑफ कॉपर एंड यूरेनियम ओर्स। तो जहां से ये पास करती है वहां पे माइनिंग काफी होती है कॉपर की, यूरेनियम ओर की। द सुबन रेखा हैज बीन लाइफलाइन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इनहेबिटिंग द छोटा नागपुर रीजन एंड द वाटर पॉल्यूशन अफेक्ट देयर लाइवलीहुड। इट इज गेटिंग मोर पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एल्यूमिनियम फैक्ट्री ऑफ मुरी। पल्लवी ये बताओ मैंने क्यों लिखा है इतना लाइन, इसकी फायदा क्या होगा, कहां यूज करोगे आप इस चीज को? ये प्री के लिए होगा, प्री का पॉइंट तो हुंडरू फॉल्स हो गया, सुमन रेखा। ये जो मेरा लिखने का पर्पस था ना, एक तो होता है पॉल्यूशन से कोई क्वेश्चन आएगा, एक ट्राइबल लाइफ से कोई क्वेश्चन आएगा, एक रिवर वाटर पॉल्यूशन से कोई क्वेश्चन आएगा, तब आप इसको केस स्टडी की तरह यूज करोगे कि सुमन रेखा रिवर वो माइनिंग होती है उसके आसपास कॉपर की, यूरेनियम की और एल्यूमिनियम की, और ठीक है मुरी में जो फैक्ट्री है उसकी, उससे इतना पॉल्यूशन हो रहा है इस रिवर का, ये केस स्टडी होगी। यमुना में आप क्या बताओगे? मैंने बताया था अलग अलग से, यमुना में पॉल्यूशन होगा टेनरीज का, ठीक है सीवेज का, दिल्ली से पोल्यूशन आ रहा है, सिटीज से आ रहा है, गंगा में टेनरीज का, ऊपर डैमिंग, और फिर आप जो आपकी गुजरात में रिवर्स है उनमें क्या बताओगे? आपका जो ये साड़ी की डाइनिंग होती है, साड़ी होती है इसकी डाइंग होती है, डाइंग का पोल्यूशन, अलग अलग जगह पे बताओ स्पेशल एंगल पे कहाँ पे क्या पोल्यूशन हो रहा है। ऐसे ही आप सुमन रेखा का एग्जाम्पल दो कि यहाँ पे इतना पोल्यूशन हो रहा है उसके कारण ये रिवर खराब हो रही है, प्लस में जब ट्राइबल की बात आती है तो ट्राइबल की लाइफ भी, कम्युनिटी भी यहाँ पे खराब हो रही है, तो इसमें भी आप एग्जांपल की तरह यूज करते हो, इसलिए केस स्टडी दी आपको सुमन रेखा की। एक दो केस स्टडी होनी चाहिए आपके आंसर को इफेक्टिव बनाने के लिए। अगली रिवर है आपकी बैतरनी। बैतरनी कहां से राइज होती है? गोनासिका या फिर गुप्त गंगा हिल से। द बैतरनी इज वन ऑफ द सिक्स मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा। तो उड़ीसा में अगेन ये लाइन मैंने इसलिए लिखी है, पूछ लेगा कि ये गिफ्ट ऑफ सिक्स रिवर किसको बोलते हैं, तो छह आपकी रिवर्स है उड़ीसा के अंदर, उनमें से एक रिवर है बैतरनी। द बैतरनी इज द सिक्स मेजर रिवर्स ऑफ उड़ीसा इंडिया। द कोस्टल प्लेन्स ऑफ उड़ीसा हैज नेम हेक्साडेल्टिक रीजन। तो जो कोस्टल प्लेन्स है उड़ीसा के उसको क्या बोलते हैं? हेक्साडेल्टिक रीजन। और द गिफ्ट ऑफ सिक्स रिवर्स, इसको बोलते हैं गिफ्ट ऑफ सिक्स रिवर्स। अगला रिवर है आपकी ब्राह्मणी रिवर, फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ संख रिवर एंड साउथ कोयल रिवर। तो ये कैसे बनती है ब्राह्मणी? दो रिवर के कन्फ्लुएंस से बनती है, संख और साउथ कोयल रिवर। ये देखो अगेन पूछ लेगा कि ब्राह्मणी इज फॉर्म्ड बाय संख एंड नॉर्थ कोयल रिवर, तो वो आपका गलत हो जाएगा। फाबिया नॉर्थ कोयल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी थी? नॉर्थ कोयल क्या गंगा? बताओ पल्लवी, नॉर्थ कोयल ट्रिब्यूटरी ऑफ, आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे, आपके सिस्टम में गड़बड़ी है शायद। हाँ आ गया पता, पल्लवी कहाँ गए वे? लिख दिया, वाह शाबाश, ठीक है ना, ऐसे याद आना चाहिए आशिमा कि भाई सोते वक्त गाता ना कोयले से गाना, गोरी, ऐसे याद आना चाहिए, गोरी सोते वक्त कोयले से गाना गाती है, गोपद, रिहान, सोन, कोयल, नॉर्थ कोयल, ठीक है। चलो, ब्राह्मिनी डेल्टा इज अ साइट ऑफ भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगेन आपने देखा होगा क्वेश्चन आते हैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे कौन सा डेल्टा है, कौन सी रिवर है, तो ब्राह्मिनी डेल्टा पे आपकी भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड फेमस फॉर इट्स एस्चुराइन क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल्स है इसकी एस्चुराइन के अंदर, एस्चुरी के अंदर। चलो अब एक बात और देखो, जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है दे मोस्टली फॉर्म्स डेल्टा, लेकिन यहाँ पे जो ब्राह्मिनी रिवर है वो क्या बना रही है? एस्चुरी। ये भी एक डिफरेंस है, mostly east flowing rivers they form delta and brahmini it is for making estuary. ab ye estuary aur delta kya hoti hai? vishal bata do mere ko, chalo puch hi lete hain।
और यहाँ पे मिक्स वाटर होता है रिवर का फ्रेश वाटर और सी का सोल्टी वाटर. तो ये जो मिक्स वाटर होने के कारण एक अलग से इकोसिस्टम डेवलप होता है. दैट इज सो दिस रीजन इज वेरी हाई रीजन बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, तो एस्चुरी जब रिवर डायरेक्ट सी वाटर से मिलती है इट फॉर्म्स एस्चुरी. तो ये रिवर ऐसी है ईस्टर्न साइड में जो कि इट फॉर्म्स एस्चुरी. अदर रिवर फॉर्म डेल्टा. ये भी एक्सेप्शन हो गया. चलो अगली अदर लास्ट में आपको अदर रिवर्स वंशधारा ये कहाँ पे है पल्लवी देख लो. कुछ स्टेट दे रखी मैंने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में. नागवली है आपकी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में. पल्लेरु है आंध्र प्रदेश में. वैगी है तमिलनाडु में. मांडवी गोवा में. सारावती कर्नाटका. परियार केरला. अतिंगल केरला और कोलाडा केरला. ये और रिवर्स है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए. ये एक ऐसे ही बस सिंपल मैप बना रखा है कभी ड्रॉ करना हो कुछ हेल्प करे आपको. इंडस पता है आपको नॉर्थ में है. देख लो वैशाली ब्रॉड में इंडस करा था हमने. ठीक है, फिर हमने कौन सा किया गंगा किया और उसकी फिर ट्रिब्यूटरीज की. अच्छा बताओ पल्लवी ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना जल्दी जल्दी बताओ. पल्लवी कहाँ गई गायब आवाज नहीं आ रही. चलो बताओ वैशाली. चंबल सिंध का बेटा कौन. ठीक है चंबल का बेटा कौन. चंबल सिंध बेटवा केन. बताओ आदर्श ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज. सर दिबांग सुबर्ण रेखा. अच्छा तेरे को ऐसे याद है. एमएसडी थोड़ी बहुत याद सुबह. एमएसडी हाँ एमएसडी काम करके सुबह सुबह काम करके सुबह सुबह दिखा रहा था कि उस वो धन कमा के लौटा है. धन कमा के लौटा है धन कमा कर. हाँ ठीक है ऐसे याद करना. लोटा से आपका लोहित ती से तिस्ता हो जाएगा. धन से धनसिरी हो जाएगा. दिखा रहा था दिखा हो जाएगा. तो ये एमएसडी से है ना. ध्यान 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 नहीं था ये गलती मतलब. मानस हाँ हाँ दिबांग 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 ध्यान से तो एंटर कर रही थी ध्यांग और से तो. ठीक है तो ये बेसिक से थोड़ी गलती नहीं करनी है. कोड को दोबारा रिवाइज कर लेना. महानदी हो गया. महानदी का कोड क्या था बताओ फाबिया. इतना तो याद आ रहा होगा कि महान नाथ था उसने जो क्रैक टेल किया था. अब तो मन से हंस दो ऐसी ऐसी बातें आएंगी ना. मन से हंस दो. हाँ तो मंद हो गया. इब तो इब हो जाएगा. देखो मैं एक बार हमने एक बार पढ़ा भी तो रिवाइज भी नहीं किया तब भी बेसिक चीजें हमारे दिमाग में आ रही है तो हम ऐसे गलत नहीं करेंगे क्वेश्चन. ठीक है नर्मदा का हमने कर लिया था. बताओ आशिमा नर्मदा का कोड क्या था. वो था ना काला काला तवा जो था छोटा काला तवा. छोटा तवा काला तवा पे नर्मदा बाजरे की रोटी बनाती है तो बाजरे की रोटी. हाँ बस ऐसे हो जाएगा पक्का आइडेंटिफाई करके आओगे मजा आएगा एग्जाम में. ठीक है चलो ये हो गया. अब आ जाओ ये मैं बता रहा था कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे डू नॉट मेक डेल्टास बट एस्चुरीज. ये इंडिया होगा ईस्ट वाली कराती है डेल्टा और वेस्ट वाली क्या बनाती है वैशाली एस्चुरीज. अब ये बात है कि क्यों बनाती है ये एस्चुरी ये डेल्टा क्यों नहीं बनाती. रिवर तो डेल्टा क्यों नहीं बनाती ये बताऊंगा आपको. अब यहाँ पे ईस्ट में जो एक रिवर थी जो क्या बना रही थी आपका एस्चुरी क्या नाम था उसका वैशाली बताओ. बताओ आशिमा. महानदी नहीं नहीं महानदी नहीं ब्राह्मिनी. ठीक है ब्राह्मिनी है इट फॉर्म्स एस्चुरी. चलो कोई नहीं ऐसी बात नहीं एक बार में किसी को याद होता है दोबारा देखोगे नोट्स तो हो जाएगा. मैं तो मैं दोबारा इसलिए पूछ देता हूँ कि यही पे याद हो जाए तो इसमें कोई वो शर्मा नहीं आया कोई वो खराब बात नहीं कि अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको आंसर नहीं आ रहा. किसी को भी फर्स्ट टाइम में याद नहीं होता दो तीन बार पढ़ोगे तभी आपको याद होगा. इसीलिए जो मैं शेड्यूल बनाता हूँ वो भी तीन बार रिविजन का बनाता हूँ कि प्री से पहले आप तीन बार रिवाइज करो तभी आप चीजें वहाँ पर रिकॉग्नाइज करोगे. अब आ जाओ द रीजन फॉर रिवर्स डोंट मेक डेल्टा बट एस्चुरी बिकॉज डेल्टाज आर फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय द रिवर. पहली बात तो देखो जो डेल्टा होता है वो किससे बनता है सेडिमेंट्स लेके आएगी रिवर. और ये जो मोस्टली वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स थी वो कहाँ से आ रही थी आपकी ऊपर से आ रही थी यहाँ पे हिमालय से बहुत सारा सेडिमेंट लेके आ रही थी. सेकेंडली जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ये एक तो रिफ्ट वैली में फ्लो करती है. दूसरा जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है वहाँ पे क्या है हार्ड रॉक्स है वहाँ पे सेडिमेंट्स कम है थोड़े. तो ये कह रहा है कि मैनी ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स लाइक नर्मदा तापी एक्सेट्रा पासिस थ्रू रिफ्ट वैली. तो रिफ्ट वैली तो ऑलरेडी ऐसे क्या है आपके इसमें क्या है सेडिमेंट्स इतने एक्यूमुलेट नहीं होते. ठीक है तो ये कहाँ से पास कर रही है रिफ्ट वैली से पास कर रही है. और वो जो रिवर थी आपकी
वो आपको क्या करी माउंटेन्स में जो सेडिमेंट्री माउंटेन्स है हमारे यहाँ पे कहाँ पे हिमालयाज है उनकी सेडिमेंट्री रॉक्स है उसमें क्या करती डीप वी वैलीज बना रही है उससे पास करती है तो सेडिमेंट्स इरोड करती है उनको सेडिमेंट्स लेके आती है तो डेल्टा बना देती है और ये वैलीज जो आपके रिवर्स है दे फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली। ठीक है फरहान ज्वाइन कर लो 10 मिनट बाद कोई दे फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैलीज हो गया दे फ्लो थ्रू द एरियाज ऑफ हार्ड रॉक्स। मेन बात ये थी कि जो आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है दे फ्लो थ्रू द एरियाज ऑफ हार्ड रॉक्स therefore their river contain less amount of silt so sediments or silt क्या होते हैं कम होते हैं their areas are smaller and the rivers are short। तो जो आपकी west flowing rivers हैं इधर वाली इनका area छोटा है flowing का छोटी छोटी river है तो इतना sediment इकट्ठा ही नहीं कर पाती। next है there is a high gradient आप देखो जो slope है ना west side वाला इसका gradient थोड़ा ज्यादा है तो speed क्या है बहुत तेज है। there is a high gradient for the west compared to east flowing river east flowing जो river है वो उनका slope है gentle they are high gradient for the west flowing river therefore with being very close to the coast and with the high gradient there is less chance of river getting wide spread out towards the sea unlike the east flowing। ab hota kya hai ek to pehli baat to kya hai sea ke paas jab jati hai river to high speed hone karan ye seedha sea se mil jati hai aur wahan pe kya tha jaise sea ek gentle slope tha to sea ke paas jaise river aati thi kya hoti spread out ho jati hai to yahan pe kya hota hai river less spread out hoti hai। अब जहां पे ज्यादा स्प्रेड आउट होती है वहां पे क्या करेगी डिपॉजिट कर देगी तो ये भी एक रीजन है स्पीड तेज होने के कारण जो रिवर से वेस्ट फ्लोइंग दे गेट लेस स्प्रेड आउट। तो ये देखो इन्फ्रेंस किया है तो एग्जाम के अंदर पूछ लेगा कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे गेट मोर स्प्रेड आउट तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। और इसको एक ब्रेडेड बोलते हैं ब्रेडेड चैनल मेरे को अभी याद आ गया BRAIDED ब्रेडेड चैनल। तो जो ये वाला चैनल है ये क्या ब्रेडेड है ईस्ट फ्लोइंग का वेस्ट में नहीं है। अगर टेक्निकली पूछ ले कभी कि भाई ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे फॉर्म ब्रेडेड चैनल तो आंसर होगा ठीक वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दे फॉर्म ब्रेडेड चैनल तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रेडेड में होता है ऐसे ब्रांचेज हो जाती है बहुत ज्यादा। ओके तो ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है क्योंकि स्पीड के कारण क्या होती है लेस दे गेट लेस स्प्रेड आउट इसीलिए क्या होता है डिपोजिशन नहीं होता। अगेन क्योंकि स्पीड बहुत तेज है तो दे फॉर्म एस्चुरी रादर देन डेल्टा क्योंकि डिपोजिट ही नहीं होगा सीधा मिल जाएगी। मोर ओवर ग्रेडियंट मोर ग्रेडियंट मीन्स हायर वेलोसिटी ऑफ द रिवर therefore west flowing river form estuary rather than delta। ये रीजन हो गए कि ये estuary क्यों बनाती है डेल्टा की। हाँ वैशाली बताओ। रिवर तेज है इस ये सबसे बड़ा रीजन है कि बनाने का। क्या आपने कहा था ना अभी कि रिवर तेज आती है। चलो मान लो रिवर स्पीड तेज है क्योंकि स्लोप इंक्लाइंड है स्टीप स्लोप है। उसके अलावा और भी रीजन है छोटी रिवर है उसके अलावा एक रीजन है कि जहां से फ्लो कर रही है वो जो रॉक है वो बहुत हार्ड है तो वहां से सेडिमेंट्स इतने आ ही नहीं पाते। तो ये 2-3 रीजन है ऐसे नहीं होता एक रीजन है वो 2-3 रीजन बताया मैंने आपको। अब हम डिफरेंस बिटवीन करेंगे हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर। तो हिमालयन रिवर कहां से ओरिजिनेट होती है पता है आपको हिमालयन ग्लेशियर से। पेनिनसुलर रिवर पेनिनसुलर प्लेट्यू से। नेचर ऑफ फ्लो कैसा है इनका पेरिनियल है जो हमेशा पानी रहेगा एंड रिसीव वाटर फ्रॉम ग्लेशियर एंड रेनफॉल। तो पेरिनियल रिवर्स होती है वैशाली जो हमेशा चलती रहती है जिनमें हमेशा पानी रहता है। रेनफेड और सीजनल मतलब जब बारिश होगी तब ये रिवर्स आती है मोस्टली आपकी पेनिनसुला। So they are dependent upon monsoon rainfalls। इनका ड्रेनेज पैटर्न कैसा है आपका हिमालयन रिवर्स का डेंड्राइटिक बताया था गंगा का देखो ट्री लाइक शेप। और इनका कैसा है रेडियल जो आपका था अमरकंटक प्लेट्यू से या फिर ट्रेलिस जहाँ पे क्या था परपेंडिकुलर ट्रिब्यूटरीज थी। तो इनका पैटर्न है रेडियल एंड ट्रेलिस। नेचर कैसा है ये लॉन्ग कोर्स गंगा कितनी लंबी है कहाँ से कहाँ तक जाती है देखो। और इनका क्या है स्मॉलर फिक्स कोर्स छोटा छोटा कोर्स है। इनका एज कैसी है यूथफुल एक्टिव एंड डीपनिंग ऑफ वैलीज। यहाँ पे मोस्टली कौन सा फेज है आपका यूथ है और एक्टिव वेरी डीप वैलीज बनाती है ऊपर। यहाँ पे रिवर कैसी है ओल्ड रिवर है काफी पुरानी रिवर्स है आपकी पेनिनसुलर रिवर। कैचमेंट एरिया क्या होता है फाबिया बताओ। कैच बोल रहा था कैच कर लो क्या कैच कर लो पानी कैच कर लो तो रिवर जहां जहां से पानी कैच करती है तो वो होता है कैचमेंट एरिया। इसका इनका बहुत बड़ा है गंगा रिवर्स का ठीक है ना और इनका क्या छोटा है तो इसमें क्या होता है जो आपका फ्लो है पानी का वो भी कम रहता है पेनिनसुलर रिवर्स में कंपेयर टू आपका हिमालयन रिवर्स। आ गया समझ में ये डिफरेंस है हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। तो आप बेसिकली देखो तो हम देखते हैं जो कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स में जो आपको पढ़ा रहा था मैं इंडो गैंजेटिक रिवर्स जो आपके ऊपर फ्लड्स आती है। पेरिनियल फ्लो
पेनिनसुलर रिवर कैसी है? रेन फेड है, यहाँ पे पानी कम है. हेंस इंडो गैंजेटिक प्लेन विटनेस फ्लड्स, तो यहाँ पे फ्लड्स आती है. और पेनिनसुलर स्टेट्स है, वहां पे क्या आता है? ड्रॉट आता है. तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक प्रोग्राम सेटअप किया गया, दैट वॉज नेम्ड इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर. बोथ द इश्यूज कैन बी एड्रेस थ्रू इंटर बेसिन ट्रांसफर. ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक बेसिन से दूसरे बेसिन में पानी लेके जाना. ये प्री में भी पूछ सकता है, मेन से पूछ देगा. अगर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ना दे, इंटर बेसिन ट्रांसफर आ जाए, तो उसका मतलब यही है, इंटर बेसिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम इंडो गैंजेटिक रिवर्स, जहां पे सरप्लस वाटर है इंडो गैंजेटिक रिवर से, और कहां पे? पेनिनसुलर रिवर में. बोथ द इश्यूज कैन बी एड्रेस थ्रू इंटर बेसिन ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम इंडो गैंजेटिक रिवर सरप्लस वाटर एरियाज टू पेनिनसुलर रिवर्स डेफिसिट वाटर एरियाज यूजिंग सिस्टम्स ऑफ कैनाल एंड रिजर्वॉयर. इट इज नोन एज इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर. वैशाली में यही बता रहा था कि जो आपके नदन रिवर्स है इंडो गैंजेटिक, वहां पे पानी बहुत ज्यादा है, फ्लड्स आती है वहां पे. और जो पेनिनसुला के रिवर है वहां पे पानी कम है, रेन फेड रिवर्स है, तो वहां पे क्या होता है? ड्रॉट आता है. तो किसी तरीके से अगर इन दोनों रिवर को लिंक कर देंगे, कैसे? यहाँ पे इन रिवर्स पे क्या बनाएंगे? डैम्स बनाएंगे, यहाँ से कैनाल बना देंगे, फिर वो पानी यानी इसका पानी इसमें आ जाएगा. तो इसको क्या बोलते हैं? इंटर बेसिन ट्रांसफर या फिर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स. अब ये इट वॉज प्रपोज इन 1972 बाय इरीगेशन इंजीनियर के एल राव, विच विल डाइवर्ट द फ्लड वाटर्स ऑफ गंगा टू कावेरी. तो ये कह रहा था ये जो प्रोजेक्ट है, इट विल डाइवर्ट द फ्लड वाटर ऑफ गंगा का कावेरी में. ये प्रपोज किया था 1972 में बाय एन इरीगेशन इंजीनियर के एल राव. अब एग्जाम्पल देखो, अभी रिसेंटली बजट में इसको पैसे एलोकेट हुआ केन बिटवा लिंक पे. तो केन बिटवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट विल बी टेकन अप एट अ कॉस्ट ऑफ 45,605 करोड़, मतलब इतना 45,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है एक. तो कितना महंगा प्रोजेक्ट है देखो. दिस एम्ड एट प्रोवाइडिंग इरीगेशन बेनिफिट टू 9 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मर्स लैंड्स, ड्रिंकिंग वाटर टू 62 लाख पीपल, 103 मेगावाट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड 27 मेगावाट ऑफ सोलर पावर. अगेन ये मैंने आपको इसलिए दिया है, अगर आपको कहीं लिखना पड़ जाए इंटरलिंकिंग वाटर में, तो साइड में लिखना केस स्टडी, उसके अंदर ये डालना, ये फायदे होंगे उसके, कि अगर केन बिटवा लिंक का अगर प्रोजेक्ट करते हैं तो 45,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इससे 9 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मर्स लैंड फायदा होगा ड्रिंकिंग, और 62 लाख लोगों को पानी मिलेगा, इतनी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इतनी सोलर पावर होगी जनरेट. अगला है द केन बिटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट एम्स टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम केन. केन रिवर कहाँ है आपकी? एमपी में, और कहाँ पे? बिटवा में, यूपी. तो केन से बिटवा में पानी जाएगा. पानी कहाँ से कहाँ जाएगा वैशाली? केन से बिटवा के अंदर, ये याद रखना है, केन से बिटवा में जाएगा. ये अगर केन है और ये बिटवा, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? केन से बिटवा के अंदर. अब देखो बेटा है, बेटा तो हमेशा चीजें लेता ही है, ऐसे याद रखना बस. तो बिटवा में पैसा आएगा, पानी आएगा, ऐसे याद रखना. वहां पर स्टेटमेंट आएगी द बेटवा वाटर इज ट्रांसफर टू केन, तो ऐसा मत कर देना. बेटा क्या करता है? लेता ही है पैसा. तो किसमें आएगा? केन से बेटा में आएगा, बिटवा में. और केन रिवर कहाँ है आपकी? एमपी में. बेटवा कहाँ है? यूपी में. टू इरीगेट द ड्रॉट प्रोन बुंदेलखंड रीजन, जो पानी आ जाएगा यहाँ पे, तो बुंदेलखंड का जो रीजन है वहां पे इरीगेशन में यूज करेंगे. बोथ द केन एंड बिटवा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना. और जो केन और बिटवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? वैशाली बताया था ना चंबल सिंध का बेटा कौन, तो बिटवा और केन किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की. द प्रोजेक्ट विल ऑल्सो लीड टू द लॉस ऑफ 2 million trees. जब ये प्रोजेक्ट हो जाएगा कनेक्ट, तो यहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व भी है, वो सम्मर्ज होएगा, ठीक है. क्योंकि क्या होता है इसके कारण, जब भी मैंने बताया था पानी डाइवर्ट करते हैं तो पहले क्या बनाते हैं लोग? रिजर्वॉयर बनाते हैं, डैम बनाते हैं. उसके पीछे क्या होता है? पानी इकट्ठा होता है. फिर जहां जहां कैनाल बनेगी वहां भी कुछ पेड़ कटेंगे, ठीक है. तो क्या हो रहा है इससे? क्या होगा? लगभग लॉस ऑफ 2 million trees का नुकसान होगा इस प्रोजेक्ट से. और बाकी प्रोजेक्ट आपको एग्जाम्पल देने हैं, मैप में दिखाने हैं, या PYQ में आ जाए, या सॉरी MCQs में आ जाए, तो आप देखो कौन कौन से प्रोजेक्ट है इंटरलिंकिंग रिवर के अंदर. दमन गंगा पिंजल प्रोजेक्ट, ये आज ही डालने हैं, नोट्स में नहीं है, ठीक है. पार तापी नर्मदा, क्योंकि बजट में आया था इस बार, इसलिए मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में और बढ़ा दिया. गोदावरी कृष्णा, ये पांचों प्रोजेक्ट प्रपोज है कि इनका ड्राफ्ट बन चुका है. कृष्णा पिन्नार और पिन्नार कावेरी, ये हो गए अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर्स. नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव, इसका फायदा क्या होगा वैशाली बता जल्दी, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का? फ्लड वगैरह कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है. फिशिंग, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बेसिक बात है, फिशिंग इंप्रूव हो जाएगी, इनलैंड वाटर भी प्रमोट हो जाएगा, कनेक्शन अगर कैनाल होंगे तो.
ये तो आप नॉर्मल लिख सकते हो। तो फ्लड एंड ड्रॉट मैनेजमेंट थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, नेविगेशन में इनलैंड वाटर, हाइड्रो पावर जनरेशन, इरीगेशन बेनिफिट, एडिशनल इरीगेशन फैसिलिटी ऑफ अराउंड 35 मिलियन हेक्टेयर इन द वाटर डेफिसिट वेस्टर्न एंड पेनिनसुला रीजन। तो वेस्टर्न रीजन और पेनिनसुला रीजन जो हमारा है उसके अंदर एडिशनल 35 मिलियन हेक्टेयर ऑफ इरीगेशन फैसिलिटी हम जनरेट कर सकते हैं अगर इंटरलिंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो। इंडिया में अगर देखो कितनी जरूरत है, 141 मिलियन हेक्टेयर है आपका नेट जोन एरिया, उसमें से केवल 65 मिलियन हेक्टेयर ही इरीगेटेड है, बाकी तो इरीगेटेड है ही नहीं। तो वहां पे हमें क्या करना है, इरीगेशन लेके जाना है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर जरूरी है, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज्यादा है। पहली बात तो क्या, आपने देखा देखो एग्जाम के अंदर ऐसे लिख के आना कि पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, सोशल, अदर्स। फरहान आपने मिस कर दिया था, हमने टॉपिक स्टार्ट किया अगला इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, कैसे हम जो सरप्लस रिवर है वो उनसे हम डेफिसिट जो रिवर है उसमें पानी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। इसके क्या फायदे है नुकसान है वो बता रहा था। तो फायदे बता दिए थे, नुकसान में आपका आएगा पॉलिटिकल। देखो इट इंक्रीज द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट नॉट ओनली एट द स्टेट बट इंटरनेशनल लेवल। अभी भी जो इंटरलिंकिंग नहीं हुआ तभी कितने रिवर डिस्प्यूट चलते रहते हैं। अगर ये एक स्टेट से मान लो एमपी से जा रहा है यूपी में पानी केन बिटवा लिंक के अंदर, तो फिर उनमें दिक्कत होगी, हमारे पास ज्यादा है, कम है, हम इतना छोड़ेंगे, तो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट और बढ़ जाएंगे। और इंटरनेशनल लेवल पे भी, कल को हमने गंगा को टेम कर दिया और उसका पानी क्या कर लिया, अदर रिवर से भेज दिया, तो यहाँ पे बांग्लादेश वाले वो चिल्लाएंगे कि यहाँ पे हमारा पानी कम आ रहा है ये, ठीक है। तो इंटर स्टेट में उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें इसमें दिक्कत हो सकती है, पॉलिटिकल इशू आ सकते हैं। उसके बाद इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकली बड़ा दिक्कत होगी, चेंज इन द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द रिवर्स। जैसे मान लो ये रिवर है, इसमें क्या होता है ना, अगर आप बीच में कहीं पे भी डैम बनाते हो तो इसका पूरा जो, अब ये जो फिशेस थी ये तो यहीं तक लिमिट हो जाएंगी, अब डैम तो कूद के जाएंगे नहीं वो फिश को, तो इनका पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट हो जाता है। तो ये बड़े इकोलॉजिकल नुकसान होते हैं। चेंज इन द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ रिवर अफेक्टिंग फिशरीज, फ्लोरा, फाउना, वेटलैंड एंड अदर बायोडाइवर्सिटी। वेटलैंड ऐसे कई बार क्या होता है, रिवर में अगर फ्लड आती थी तो वो क्या करता था, एक्स्ट्रा पानी ले जाते कहीं पे, यहाँ पे मान लो इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे कोई वेटलैंड डेवलप हो गया, अब वो एक्स्ट्रा पानी तो कभी आ ही नहीं पाएगा, तो ये वेटलैंड तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो उसका जो रिवर का पूरा कोर्स था उसमें क्या हो गया, इकोलॉजिकल बड़े डिस्टर्बेंसेस होंगे अगर हमने इंटरलिंकिंग ऑफ वाटर किया तो। चेंज द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द रिवर अफेक्टिंग फिशरीज, फ्लोरा, फाउना, वेटलैंड एंड अदर बायोडाइवर्सिटी। डिक्रीजेस द फ्रेश वाटर इन द सी अफेक्टिंग मरीन लाइफ। अब ये जो फ्रेश वाटर लेके जा रही थी रिवर ओशन के अंदर, सी के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, मरीन सिस्टम बना हुआ था एक, जहां से क्या हो रहा था, फ्रेश वाटर आ रहा था, तो एक सैलिनिटी कम हो रही थी। अगर ये रिवर में कम फ्रेश वाटर आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको डैम लगा के पानी डाइवर्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्रेश वाटर कम जाएगा, उससे जो यहाँ की मरीन लाइफ है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और इसके साथ साथ कई बार जब ये फ्रेश वाटर यहाँ पे कम जाएगा तो इट विल ऑल्सो अफेक्ट द मानसून ऑल्सो, क्योंकि यहाँ से वाटर इवेपोरेट होता है जो मानसून में इफेक्ट करता है, तो इट विल अफेक्ट द मानसून सिस्टम ऑल्सो। उसके बाद फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क जो है, देखो आप, मैंने आपको बताया था कि जब केन बिटवा लिंक होगा, जब पानी जाएगा ट्रांसफर होगा केन से बिटवा में, तो उसमें क्या होगा, आपका पन्नार टाइगर रिजर्व है उसका कुछ एरिया क्या होगा, सबमर्ज हो जाएगा। तो इट विल लीड टू द सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क सच एज केन बिटवा लिंक में क्या होगा, 4000 हेक्टेयर ऑफ पन्नार रिजर्व विल बी सबमर्ज। उससे क्या होगा, पूरी वाइल्ड लाइफ वहां की, वहां का फॉरेस्ट, वो सब क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। नेक्स्ट है आपका सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट में आप ये लिखोगे कैसे जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनको रिहैबिलिटेट करना पड़ेगा, उनका डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि जब डैम बनता है तो क्या होता है, लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ता है, जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज है उनको डिस्प्लेस होगा, उनका इकोसिस्टम पूरा खराब होगा, तो अगेन सोशल कॉस्ट है। और अदर कॉस्ट में देखो, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज सप्लाई ऑफ वाटर में रिड्यूस इन हिमालयन रिवर इटसेल्फ। हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण जो क्या हो रहा है, पानी ग्लेशियर मालूमेंट कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, अगर पानी कम हो रहा है उसका रिवर्स का इनके अंदर, तो आने वाले मान लो 10 साल बाद 20 साल बाद इन्हीं रिवर्स में अगर पानी कम हो गया तो हम डाइवर्ट कैसे करेंगे पानी, तो ये स्ट्रक्चर क्या होंगे, सारे खराब हो जाएंगे। तो क्लाइमेट चेंज के कारण हम श्योर नहीं है कि कब तक कितना पानी रहेगा रिवर्स के अंदर। फिर देखो आप, ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट, मैं बता रहा हूँ एक लिंक बनाने के लिए, केन बिटवा लिंक बनाने के लिए कितना था आपका करोड़, लगभग 45,000 करोड़ रुपए लगे थे, 45,605 करोड़ रुपए लगे थे, तो कितना कॉस्टली है, ह्यूज इकोनॉमिक कॉस्ट। उसके बाद अलग प्रॉब्लम्स, जहां पे पानी स्टोर करेंगे वहां पे वाटर लॉगिंग, सैलिनाइजेशन, अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न। ये कैसे होगा अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न, बताओ आदर्श, अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न। मान लो एक कोई ड्राई एरिया था, ठीक है, पहले वहां पे लोग बाजरा, मिलेट्स, कॉर्न, सीरियल उगाते थे, लेकिन जब इनके पास पानी आ जाएगा कहां से, ऊपर वाले रिवर से,
गंगा से मान लो बुंदेलखंड कहीं पे आ गया, तो ये लोग क्या करेंगे यहाँ पे उगाएंगे वीट, राइस, शुगर केन, तो कि जो कि यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से, क्लाइमेट के कंडीशन के हिसाब से सुटेबल नहीं है, तो दिस विल लीड टू अनसस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है ओके आदर्श, ये हो गया। चलो अब हम करेंगे फिर करना क्या चाहिए। आशिमा पॉजिटिव क्या था इसके लिए रिपीट कराओ, पॉजिटिव क्या था इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर के? सर इरिगेशन, हाइड्रो पावर, इरिगेशन फ्लड, हाइड्रो पावर, नेविगेशन, फ्लड वाटर कंट्रोल, फ्लड कंट्रोल जाता है, ड्रॉट मैनेजमेंट जाता है। फाबिया नेगेटिव क्या है? नेगेटिव सर सोशल, इकोलॉजिकल, पॉलिटिकल, पॉलिटिकल है और अदर्स में आपके अदर्स। हाँ तो इसके अंदर देखो नेगेटिव बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए कि रिवर लिंकिंग इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन टू अचीव द वाटर सिक्योरिटी, उसके अलावा मेजर देखने चाहिए हमें। ये आप ये फॉर्म लिखोगे क्योंकि हम बुंदेलखंड रीजन जहाँ पे हम वाटर की बात कर रहे हैं सप्लाई की, वहां पे हमने देखा है देर हैव बीन एग्जाम्पल इन द बुंदेलखंड रीजन लाइक जाखी विलेज विच हैव अचीव वाटर सेल्फ सफिशियंसी थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड्स, छोटे छोटे फार्म पॉन्ड बना दो, जोड़ बना दो, वाटर हार्वेस्टिंग करो, ठीक है, और क्या कहना रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडी, जो पुरानी वाटर बॉडी थी उनको रिस्टोर किया, रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड कलेक्शन एंड रेजिंग ऑफ फार्म बंड्स, फार्म बंड्स बनाए ताकि पानी इकट्ठा हो जाए वहां पे, ठीक है, वेस्ट ना हो, और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रे वाटर, जो एक बार हमने पानी यूज कर लिया उसको डिफरेंट उसके तरीके से यूज कर लो, ठीक है, जैसे कि हमारे बाथिंग वाटर है उसको आप किसी और पर्पज में यूज कर लो, तो ऐसे आप ग्रे वाटर का यूज करो। तो ये जो तरीके हैं डिफरेंट इनको अपनाओ, और इसके अलावा स्मॉल डैम लिंक, छोटे छोटे डैम बना लो, इतना बड़ा डैम मत बनाओ जिससे नुकसान ज्यादा होगा। फिर डिसेंट्रलाइज वाटर मैनेजमेंट करो, जैसे हमने वाटरशेड डेवलपमेंट की बात की थी, वाटरशेड डेवलपमेंट ये, उससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, पेड़ लगेंगे, स्ट्रीम्स जो होंगे उनको कंजर्व होगी, वो कंजर्व होंगी, छोटी छोटी रिवर्स कंजर्व होंगी, तो ये प्रोग्राम पे फोकस करना चाहिए हमें। वो ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, रिवाइवल ऑफ लोकल इरिगेशन सिस्टम उनको रिवाइव करो, रादर देन फोकसिंग ऑन द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर विच हैव ह्यूज इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एंड अदर कॉस्ट, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। चलो ये मैंने बता दिया वे हेड में क्या करना चाहिए। इस बार इसलिए कर रहा हूँ, डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है, अभी बजट में पास हुआ है, आ चुका है ऑलरेडी, आ भी चुका है, फिर भी क्या बता डिफरेंट फॉर्म पूछ ले, आपको सारे एंगल पता होने चाहिए इसके। नेक्स्ट है आपका हिमालयन लेक्स। अब रिवर खत्म हो गया, अगला टॉपिक है लेक्स, क्योंकि लेक्स से भी क्वेश्चन आता है, तो कुछ लेक्स कराता हूँ आपको। ठीक है, लेक्स ऑफ द तिब्बत, पहले हम तिब्बत की लेक्स देखते हैं, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ये इंडिया की बाउंड्री में नहीं है, तो द लार्जेस्ट लेक इन तिब्बत इज कोकोनूर, लार्जेस्ट लेक तिब्बत कोकोनूर। अदर नोटेड लेक्स ऑफ तिब्बत आर मानसरोवर, रकास्ताल, रकास्ताल, मानसरोवर इज अ फ्रेश वाटर लेक, ये बात देखो। तिब्बतन लेक्स हैव नो आउटलेट्स एंड रिसीव इनलैंड ड्रेनेज, तो वो कैसी रहा, सारी इनलैंड ड्रेनेज है, कोई आउटलेट नहीं इनका, बाहर निकलता नहीं पानी, वहीं पे रहता है, तो दे हैव इनलैंड ड्रेनेज। दे आर ऑल्सो गेटिंग स्मॉलर इन एरिया एज अ रिजल्ट ऑफ ड्राइंग आउट, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, सूखती जा रही है हिमालयन लेक्स आपकी, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मानसून विंड्स बाय द हिमालयस एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ रेनफॉल। तो ये जो लेक्स हैं आपकी पीछे वाली जो है, क्योंकि बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया है, तो जैसे हिमालय है, तो मोस्टली जो आपकी ये लेक्स आपकी यहाँ पे है, तो हिमालय का जो जो मानसून है वो हिमालय में यहीं पे कन्फाइन रहता है, तो इन रिवर्स जो लेक्स है वहाँ पे क्या हो रहा है, पानी कम जा रहा है, तो ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ मानसून विंड्स बाय हिमालयस एंड द एब्सेंस ऑफ रेनफॉल दीज लेक्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग या ड्राइंग आउट। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि पहले भी एक क्वेश्चन हो रहा था ड्राइंग आउट ऑफ रिवर से, अराल लेक, अराल के बारे में पूछा हुआ था, ठीक है, इसलिए ये भी बता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट है लेक्स ऑफ कश्मीर एंड लद्दाख, अब आएंगे कश्मीर और लद्दाख में कौन सी रिवर है। नोटेड अमंग द लेक्स ऑफ कश्मीर आर पेंगोंग तसो, सो मुरारी, वुलर, दल, तो ये चार लेक होगी आपको याद रखें कश्मीर के अंदर, पेंगोंग तसो, सो मुरारी, वुलर और दल लेक। द वुलर एंड दल लेक आर फ्रेश वाटर, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, बोल देगा सलाइन है क्या है, तो ये फ्रेश वाटर लेक्स, वाइल द सो मुरारी एंड पेंगोंग तसो आर सलाइन, ये दोनों सलाइन है। पेंगोंग तसो, सो मुरारी आर सॉल्ट लेक ऑफ देयर ओरिजिन टू द डैमिंग अप ऑफ मेन वैली बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय ट्रिब्यूटरी रिवर्स, ठीक है, तो ये मान लो सेडिमेंट्स लेके आए कोई रिवर के, वहां पे ब्लॉक कर दिया और ये लेक बन गई, सो दे आर फाउंड बाय डैमिंग अप ऑफ द रिवर वैली बाय सेडिमेंट्स ब्रॉट बाय ट्रिब्यूटरी रिवर्स।
स्मॉलर लेक्स इन कश्मीर एंड नेबरिंग एरियाज आर नोन एज टॉन्स TORNS ये टर्म्स देखना जो छोटी छोटी लेक है कश्मीर में और नेबरिंग एरिया उनको क्या बोलते हैं टॉन्स TORNS उत्तराखंड में जो लेक्स हैं उनका नाम है नैनीताल भीमताल खेवनताल ये उत्तराखंड की लेक है नैनीताल भीमताल खेवनताल पेनिनसुलर लेक इंडिया में आप लेक है चिलिका लेक ठीक है कहाँ पे गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में दिस हैज बीन फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बार्स मैंने बताया था जो बीच का डिपॉजिट है वो ऐसे इकट्ठा हो जाता है ठीक है वो आगे फैल जाएगा लॉन्ग शोर करंट क्या करेंगे इसको फैला देंगे ठीक है तो ये जो हो गया लैंड हो गया यहाँ पे आपका देखो मान लो पहले ऐसे बीच है एक तो यहाँ पे पूरा डिपॉजिट हो रखा है सैंड का और ये पानी है तो कई बार क्या होता है जो करंट होता है वो क्या करता है इस जो डिपॉजिट है इसको ले जाता है और ऐसे ज्वाइन करा देता है ये थोड़ा सा यहाँ तो यहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो जाता है बीच में तो ये क्या होते हैं आपके स्पिट्स और बार्स होते हैं अगर ये दोनों को पूरा कनेक्ट कर देगा तो बार बन जाएगा अगर पूरा नहीं होता कनेक्ट तो स्पिट बनता है तो बीच में क्या बन गया आपका लगून यानी कि यहाँ पे भी लैंड है यहाँ पे भी डिपॉजिट आ गए बीच में वाटर है तो इट्स काइंड ऑफ अ लगून चिली का क्या काइंड ऑफ अ लगून है दिस हैज बीन फॉर्म्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ बार और स्पिट्स बिल्ट बाय सी वेव्स क्लोज टू द कोस्ट बाय एनक्लोजिंग वाटर इन टू अ लगून तो यहाँ पे लगून बना रखा है इट इज अ लगून लेक पुलिकट लेक भी लगून लेक है कहाँ पे श्री हरिकोटा आइलैंड इज सिचुएटेड हियर तो ये मोस्टली आप देखोगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे आपका पुलिकट लेक और श्री हरिकोटा जो आइलैंड है वो किसमें आपका पुलिकट लेक में ये क्वेश्चन आ सकता है ठीक है हाँ वैशाली बताओ आवाज नहीं आ रही आपकी दोबारा बताना एक मिनट मैंने म्यूट कर दिया ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बॉर्डर पे है या बीच में कहीं पर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे मैप में है ही नहीं ये है ही आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे देखो आप उड़ीसा का पहुंच गए पुलिकट लेक पुलिकट कह रहा हूँ मैं हाँ हाँ यही कह रही हूँ देखो तमिलनाडु के बॉर्डर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर बड़े वाले मैप में देखो अरे स्पेशल साउथ इंडिया का मैप है दिखाओ मेरे को नीचे वाला मैप हाँ बड़े वाले में नहीं मिलेगा छोटे स्पेसिफाइड मैप उसमें मिल जाएगा ठीक है पुलिकट लेक यहाँ पे ही आपका श्री हरिकोटा आइलैंड है और ये श्री हरिकोटा आइलैंड से हम क्या करते हैं अपने रॉकेट लॉन्च करते हैं इसरो ये याद रखना है ठीक है कहाँ कौन सी लेक में पुलिकट लेक में अगली लेक है लोनार लेक ये कहाँ पे बुलदाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र अकॉर्डिंग टू वन व्यू दिस लेक ऑक्यूपाइज वोल्केनिक क्रेटर अब वैशाली बताएगी क्रेटर क्या था ये सब मैं करवा चुका हूँ पहले क्रेटर हाँ बताओ आदर्श हाँ क्रेटर अच्छा याद आ गया पता बताओ बताओ मुझे शोर नहीं है हाँ बताओ आदर्श बताओ आवाज नहीं आ रही अच्छा लाइब्रेरी में ठीक है आप ये बता जो बीच में से बताया था यहाँ से ऊपर उसका वेंट होता है क्रेटर होता है और फिर ये ब्रेक हो जाता है बड़ा हो जाता है बन जाता है कालडेरा और बड़ा हो जाएगा तो ठीक है तो ये कहते हैं कि ये काल्ट ये इट्स अ काइंड ऑफ अ वोल्केनिक क्रेटर है ठीक है फिर है सांबर लेक दिस इज अ शैलो लेक विच अकर्स इन राजस्थान इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है सांबर लेक कोल्लेरू लेक कहां पे इट्स लोकेटेड इन द ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश ये होगी आपकी पेनिनसुला की लेक ये एक मैप दे रखा है मेन मेन लेक कर लेना वूलर लेक ऊपर से स्टार्ट करो दल लेक वूलर लेक क्या है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया फिर ये बताया था पेंगोंग तसो सोमुरारी सेलाइन या सॉल्ट वाटर लेक है ओके फिर आप यहाँ पे कर लेना उत्तराखंड वाली जो आपकी थी नैनीताल भीमताल उत्तराखंड वाले ये वाले सॉरी फिर हिमाचल में देख लेना कुछ आपकी सूरज ताल चंद्रताल और इधर आप देखना फिर राजस्थान में रजसमंद लेक सांबर लेक ये जयपुर के पास नक्की लेक ये राजस्थान के अंदर है गुजरात में नल सरोवर और रजसमंद लेक है आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन राजस्थान फिर केरला की उस लेक देख लेना वेम्बदंत अष्टमुड़ी ये केरला की लेक्स है और ये देखो वैशाली रहा पुलिकट लेक आप कह रहे थे ना वहां मिल जाएगा आपको तमिलनाडु बड़े वाले मैप छोटे वाले में हाँ तो मैं कह रहा था बड़े वाले मिल जाएगा ठीक है कोल्लेरू लेक आपकी ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है फिर आपका हुसैन सागर लेक हैदराबाद के पास है चिलिका लेक येरा अगेन एक लेक और है लोकतक लेक मणिपुर के अंदर लार्जेस्ट लेक ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लार्जेस्ट लेक है आपकी लोकतक लेक और लार्जेस्ट लगून कौन सा है आपका चिलिका लगून चिलिका लेक ये हो गया आपके लेक एक संगमो लेक और याद कर लेना याद सिक्किम के अंदर अलग से पूछ लेगा संगमो लेक
ये पता है राजा भोज मध्य प्रदेश के, तो भोजताल होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। तवा रिजर्वोयर, अब बता तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आप ये बताओ तवा, ये तवा रिजर्वोयर किस पे होगा, क्या लग रहा है आपको? सर सर नर्मदा। नर्मदा, बस ठीक है, चलो शाबाश, इतना आइडिया करना है अपने को, चीज हो जाएंगी क्लियर। अब करेंगे हम डैम्स, जो आप कह रहे थे डैम से क्वेश्चन आते नहीं आते, आते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट ईयर भी आया, लास्ट ईयर आया था 2020 में, तो डैम्स भी करा रहा हूँ सारे स्टेट वाइज। वॉटर रिजर्वायर डैम्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, पोंग रिजर्वायर या महाराणा प्रताप सागर किस, कौन सी रिवर के ऊपर है? ब्यास रिवर के ऊपर है हिमाचल प्रदेश में। पोंग रिजर्वायर इज ऑन ब्यास, बीपी याद रख लो, बीपी बढ़ गया, ब्यास रिवर पे है पोंग रिजर्वायर, इन धौलाधर रेंज नियर पोंग विलेज, मैनी मेनली इरीगेट द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा राजस्थान, और एक ये रामसर साइट है, ये भी याद रख लो, इट्स अ रामसर साइट। हाँ पल्लवी, अरे ये कौन, ठीक है चलो नेक्स्ट है आपका नाप्था झाकरी, नाप्था झाकरी क्वेश्चन आ चुका है किस पे, सतलज रिवर पे हिमाचल के अंदर। ये हम क्या कर रहे हैं, डैम्स कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से डैम कौन सी रिवर पे है, कौन कौन सी स्टेट में है। भाखरा डैम बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के अंदर है, कौन सी रिवर पे, सतलज पे। नांगल डैम सतलज के ऊपर है पंजाब में। टेहरी डैम टालेस्ट डैम इन इंडिया ऑन रिवर भागीरथी उत्तराखंड में, टेहरी डैम। सलल डैम ऑन चेनाब रिवर, इट्स इन द रेसाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फाबिया तवी किसकी ट्रिब्यूटरी है, तवी, तवी झेलम चेनाब ब्यास, चेनाब सर, चेनाब, शाबाश चलो चेनाब। हाँ बेनिफिशियरी स्टेट जम्मू कश्मीर पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश राजस्थान। दुलहस्ती लोकेटेड ऑन चंद्रा रिवर अ हेड स्ट्रीम ऑफ चेनाब इन द किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये चंद्रा रिवर पे है दुलहस्ती। पाकिस्तान विच रिलाइज ऑन द चेनाब डाउन स्ट्रीम व्यूज डैम एज अ वॉयलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, तो पाकिस्तान को लगता है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी का वॉयलेशन हो रहा है, वेयर एज अकॉर्डिंग टू इंडिया इट इज एज पर द प्रोविजन, तो कहीं ना कहीं उनको वो कहते हैं कि हम लोग इसका पानी डैम कर रहे हैं और ज्यादा पानी यूज कर रहे हैं, हमारे पास पानी कम आ रहा है, तो दुलहस्ती डैम भी किसमें था, कॉन्ट्रोवर्सी में था। बगलियार डैम अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट होता है कि आप बस पानी में इलेक्ट्रिसिटी बनाओ और पानी को छोड़ दो, उससे आप पानी डाइवर्ट नहीं कर सकते, तो ये कैसा है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है इस पे चेनाब रिवर पे, तो ये देख लो बगलियार डैम इज ऑन चेनाब रिवर इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। पाकिस्तान एग्री नोट टू रेज दिस इशू फर्दर रिगार्डिंग द हाइट ऑफ डैम, पहले पाकिस्तान ने इस पे इशू उठाया था कि बगलियार डैम की हाइट ज्यादा है, अब उन्होंने कोई इशू वो क्या हो गया, बंद हो गया। अगला है तुलबुल या वुलार प्रोजेक्ट, किस पे होगा, लोकेटेड एट द एज ऑफ वुलार लेक ऑन द झेलम रिवर जम्मू कश्मीर के अंदर, तो झेलम रिवर पे वुलार लेक पे वुलार प्रोजेक्ट। ये फ्रेश वाटर लेक है या फिर सेलाइन वाटर लेक है फाबिया? ठीक है शाबाश, चलो सलाल हो गया तुलबुल। अब अगला आएगा राणा प्रताप, अब देखो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैरेज, गांधी सागर, ये चारों किस पे हैं आपके, चंबल रिवर पे, ऑन द चंबल रिवर एट रावरबाता इन राजस्थान, ऑन द चंबल रिवर कोटा सिटी में जवाहर सागर, ये भी चंबल रिवर पे, और ये चारों जवाहर सागर राणा प्रताप कोटा और गांधी सागर ये सारे चंबल रिवर पे है। माता टीला, माता टीला डैम, तो माता किसकी होती है वैशाली, बेटे की, ठीक है, तो बिटवा रिवर पे होगा माता टीला। ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश ऑन बिटवा रिवर नियर बॉर्डर ऑफ द टू स्टेट, ललितपुर के अंदर है उत्तर प्रदेश में, ओके। तो जो माता टीला है किसका होगा, ये माता किसकी होती है, बेटे की, तो बिटवा रिवर पे है। और जो हमने बिटवा केन लिंक पढ़ा था फाबिया, तो पानी कहां से कहां जाएगा, बिटवा से केन में जाएगा, केन से बिटवा में जाएगा, सर बिटवा से केन में, बिटवा से केन में, बेटा कब से दान देने लगे, मैंने कहा था बेटा लेगा तो केन से बिटवा, हाँ, सर, सर लेगा केन से बिटवा, कोड याद नहीं कर रहे, चलो। ये तवा रिजर्वायर किस पे होगा वैशाली, तवा रिजर्वायर, तवा नर्मदा, बस नर्मदा याद रख ले, ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें ये चैप्टर पढ़ाता भी नहीं तब भी तुम एग्जाम में ठीक कराते, क्योंकि ट्रिब्यूटरी बता दी किसकी है, ऑन द छोटा तवा अट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, उसके ऊपर है ये, ठीक है, तो छोटा तवा के ऊपर है तवा रिजर्वायर। नेक्स्ट है आपका बाण सागर डैम, वैसे तो
आएगा छोटा दबा आएगा तो आप लिख लोगे दबा पे, ठीक है। अगर छोटा दबा नहीं है नर्मदा है तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा क्योंकि उसी का रिवर सिस्टम है। नेक्स्ट है आपका बाण सागर डैम। तो बाण सागर डैम किस पे है? ऑन द सोन रिवर मध्य प्रदेश बिटवीन रेवा एंड शहडोल। तो सोन रिवर के ऊपर है आपका बाण सागर डैम, ज्वाइंट वेंचर है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार गवर्नमेंट का। रिहांद डैम इसको बोलते हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में लोकेटेड ऑन रिहांद रिवर के ऊपर रिहांद डैम है। रिहांद डैम को गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम, इंडिया लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है आपकी गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक, जो एक रिजर्वायर बना रखा है ऐसे डैम, इसके पीछे जो लेक बनी हुई है दैट इज गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये रिहांद डैम है आपका। कौन सी लेक पे? रिहांद रिवर पे। पल्लवी रिहांद किसकी ट्रिब्यूटरी है? सन सर, SON सन। वेरी गुड, सोन की ट्रिब्यूटरी है, याद था ना गोरी सोते सोते गाना कोयला कोयल की तरह। चलो नर्मदा सागर डैम किस पे होगा? नर्मदा रिवर पे होगा। और इसके डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट नीचे वाले जो रिवर नीचे आती है डाउनस्ट्रीम प्रोजेक्ट इसके कौन कौन से? ओमकेश्वर, महेश्वर, सरदार सरोवर, ठीक है। ये सारे प्रोजेक्ट इसमें नर्मदा पे, नर्मदा सागर, ओमकेश्वर, महेश्वर और सरदार सरोवर। उकाई डैम किस पे? तापी रिवर पे। ये देख लो उकाई डैम तापी रिवर पे, और सूरत सिटी भी है जो इट इज लोकेटेड ऑन द तापी रिवर, ये भी इम्पोर्टेंट है, सूरत सिटी इज ऑन तापी रिवर। मैंने एक वीडियो अलग से बनाई, एक मेरी सीरीज आएगी रट्टा मार सीरीज, उसके अंदर मैं चीजों को अगेन याद करा रहा हूँ कोड के थ्रू, तो मैंने उसके अंदर एक वीडियो बनाई है कि कौन सी रिवर पे कौन सी सिटीज है, ठीक है। तो जल्दी उस वीडियो को रिलीज करूंगा, वो भी देख लेना कि इस रिवर पे ये सिटी है, और वो भी कोड के थ्रू करवा दी मैंने आपको याद, तो जो ये दिक्कत नहीं आई फिर आपको। तो तापी जो सूरत रिवर है, सूरत सिटी है, दैट इज ऑन द रिवर तापी, क्योंकि इनसे भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, कौन सी सिटीज पे कौन सी रिवर है या कौन सी रिवर पे कौन सी सिटी है। नेक्स्ट है आपका कोयना डैम, मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर अक्रॉस रिवर कोयना, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर। याद आ रहा है किसकी ट्रिब्यूटरी? मैंने बताया था कृष्णा खोया खाता है, माल खाता है, तो कोयना से कोयना था, ऐसे याद आना चाहिए, कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है कोयना। लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र नियर सतारा। खोपोली, खोपोली किसका है? इज द फर्स्ट लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया बाय टाटा पावर, और ये कहां पे? महाराष्ट्र में, सेटअप टू प्रोवाइड क्लीन एंड अबंडेंट वाटर टू द सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई के लिए था खोपोली। जायकवाड़ी नाम कहां पे होगा? महाराष्ट्र में होगा, गोदावरी रिवर पे जायकवाड़ी। हीराकुंड सबको पता है, महानदी उड़ीसा। मचकुंड डैम ये भी उड़ीसा में है, कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, इट्स अ ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा गवर्नमेंट। नेक्स्ट है आपका निजाम सागर डैम, ये किस पे? मंजीरा रिवर पे है आपका, ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, ठीक है। ये याद आ ही रहा होगा मंजीरा रिवर सब ट्रिब्यूटरी सिस्टम। नेक्स्ट है आपका श्रीशैलम रिजर्वायर ऑन द कृष्णा रिवर इन आंध्र प्रदेश, लोकेटेड इन द कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम किस पे? आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर पे। नागार्जुन सागर लोकेटेड ऑन द कृष्णा रिवर, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना। नागार्जुना किस पे? कृष्णा पे। नागार्जुना श्रीशैलम कृष्णा पे, निजाम सागर गोदावरी पे। दामोदर रिवर पे आपके मैथोन डैम है, पांचेट है, तिलैया है, कोनार है, ठीक है। तो दामोदर वैली कॉरपोरेशन डैम से आपका मैथोन डैम, ये किस पे? बराकर रिवर पे है झारखंड के अंदर। पांचेट है ऑन दामोदर रिवर इन झारखंड। तिलैया डैम है बराकर रिवर पे झारखंड में। कोनार डैम है आपका कोनार रिवर पे, हजीराबाग डिस्ट्रिक्ट। तो ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन के डैम से अलग अलग रिवर पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैथोन है बराकर पे, पांचेट है दामोदर पे, तिलैया बराकर पे, कोनार है कोनार रिवर पे। नेक्स्ट है आपका कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये किस पे? रिवर कोपिली असम। तो कहां पे? असम के अंदर कोपिली। गुमती हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये कहां पे? आपका साउथ त्रिपुरा में। पूछूंगा मैं कहां पे गुमती कोपिली कहां पे है। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? तुंगभद्रा बताओ वैशाली। कृष्णा। वेरी गुड, वो तंग बड़ा हो गया था, मक्खा खाका के खोया ना, तंग बड़ा तुंग बद्रा ऐसे। चलो देन लिंगन मक्खी डैम ऑन द सारावती रिवर इन कर्नाटक। लिंगन मक्खी कहाँ पे है? सारावती रिवर कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका परम्बिकुलम अलियार प्रोजेक्ट, ये परम्बिकुलम रिवर पे केरला और तमिलनाडु के पार्ट्स को इरिगेट करता है। मेतूर डैम है आपका कावेरी रिवर पे तमिलनाडु में। मेतूर डैम है कावेरी रिवर पे तमिलनाडु में। स्टैनली रिजर्वायर कहां पे फरहान? स्टैनली कौन सी रिवर पे है? स्टैनली रिजर्वायर, स्टैनली
बताओ पल्लवी, स्टैनली रिजर्वर, कावेरी, ठीक है चलो। Partly facilitated to the shift, shift partly facilitated the shift of the cotton industry towards the south. तो क्यों मैथ्यू डैम के क्या हुआ, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वहां पे, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी होने के कारण क्या हुआ, साउथ में कॉटन इंडस्ट्री यहाँ पे शिफ्ट हुई, तो वन ऑफ द रीजन कि मैथ्यू डैम के कारण क्या हुआ, तमिलनाडु में कॉटन इंडस्ट्री प्रमोट हुई है, वाटर भी अवेलेबल आता है और इलेक्ट्रिसिटी भी। अलियार डैम इज लोकेटेड इन द कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, इट्स अ माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट एट द टो ऑफ द डैम लोकेटेड ऑन द अलियार रिवर, तो कौन सी रिवर पे, अलियार रिवर पे, अलियार डैम। इडुक्की जो है वो कौन सी रिवर पे, परियार रिवर पे, परियार रिवर है केरला में, तो इडुक्की डैम है आपका परियार रिवर पे। नेक्स्ट है कुछ स्प्रिंग्स देख लेते हैं, हमने रिवर्स देखी, लेक्स देखी, हाइड्रो पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ये देखे आपके प्रोजेक्ट्स देखे, और अब हम देखेंगे स्प्रिंग, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पे है। तो आसाम के अंदर है आपका गर्म पानी, नॉर्थ चचर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। बिहार में आपका तपोवन गया के अंदर, और एक तपोवन आपका उत्तराखंड में भी, ध्यान रखना कंफ्यूज मत होना, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ भी तपोवन है इसका नाम गर्म पानी का, यहाँ भी, और गर्म पानी कहाँ पे है, असम के अंदर। झारखंड में क्या है, सूरजकुंड अजीराबाग डिस्ट्रिक्ट में, और पारसनाथ यहाँ पे आपके क्या मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग्स मिलते हैं। गुजरात में तुई में मिलेगा, पंचमहल में। हरियाणा में अगर गर्म पानी देखना है, हॉट स्प्रिंग देखना है, तो सोना में, गुड़गांव में। हिमाचल प्रदेश में मणिकरण कुल्लू में, बजीनाथ कांगड़ा में, और लांसा कांगड़ा में। जम्मू कश्मीर में पुगा वैली, वहां पे मिलता है आपका हॉट स्प्रिंग। ताता पानी उधमपुर। उड़ीसा में ताराबेला पुरी और लोहागुड़ी गंजम डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान में मोरा सवाई माधोपुर और गंगरा चित्तौड़गढ़ में, यहाँ पे क्या मिलेंगे, हॉट स्प्रिंग मिलेंगे आपके। हॉट स्प्रिंग से क्वेश्चन आता है, जियो थर्मल एनर्जी से आता है, तो आप इनको यूज कर सकते हो, ठीक है। उत्तराखंड में जमुनतोरी, तपोवन और रामेरी, ये सारे आपके हो गए हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका ड्रेनेज सिस्टम।